All right. Good morning, everyone. How are you all? कैसे हैं आप लोग? All right. So, कौन कौन अवेलेबल है? Good morning, मोहित शाह, आंगी शाह, LALB, आयुष, इरामा, कनिष्का, केतन, कृपाली, मोनिका, नीरज, निशांत वासवानी, जेनिश, प्रगति, प्रियंका, रश्मि और भी बहुत सारे लोग हैं शायद, संदीप, संजना, श्रीहरि, सुदीप, वेदिका, मोहम्मद हाशिम, आयुष। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि सबका नाम लेना अभी पॉसिबल नहीं है एनीवेज। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन। जो बच्चे ये लेक्चर बाद में देखेंगे, आई मीन टू से GDPD स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। सो यस, हम शुरुआत कर रहे हैं आज अपने नए बिगिनिंग से, और वो है CA फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग FR, नया सिलेबस। आप सबका अटेम्प्ट अलग 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 सालों में होगा, अलग अलग डिफरेंट अटेम्प्ट होंगे, और हम जो ये पर्टिकुलर बैच शुरू कर रहे हैं ये आने वाले सारे अटेम्प्ट्स के लिए कर रहे हैं। आज मैं बताऊंगा पूरी चीजें क्या क्या होने वाली हैं, आज के इस सेशन में क्या चीजें होगी। मैं सब कुछ आपको आज सिलेबस के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं वो सब चीजें बताऊंगा, और कुछ बेसिक्स पर बातें करेंगे। बेसिक्स मतलब पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई भी होगी, और पढ़ाई से पहले पूरा एक स्ट्रक्चर किस तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी, उन सब चीजों पर बातें चलेंगी। आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरे साथ साथ, आपको स्क्रीन दिख रहा है सब्जेक्ट एंड सिलेबस करके? मुझे आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं आ रही, प्लीज अगर जो बच्चे ऑडियो यूज कर रहे हैं वो अपनी आवाज यूज कर सकते हैं ऑडियो बीच बीच में। यस सर। ऑल राइट। एंड दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल, दे कैन चैट, डोंट वरी, मैं आपके चैट्स भी पढ़ूंगा। दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल वो चैट भी कर सकते हैं, ठीक है? ऑल राइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, चैट पे भी दिख रहा है, ठीक है? सो सबसे पहले सब्जेक्ट एंड सिलेबस वगैरह चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि एक सेपरेट रजिस्टर आपको मेंटेन करना है, हालांकि ये बताने की चीज नहीं है, बट सेपरेट रजिस्टर जरूर मेंटेन करिएगा आज के ही दिन से। दूसरी बात, हमारे इस सब्जेक्ट में ये, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट में सॉल्विंग बहुत सारी होने वाली है क्लास के अंदर और क्लास के अलावा। सो आपके ऊपर मैं ऑप्शन छोड़ रहा हूं कि आप दो अलग अलग रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो, एक क्लास के लिए एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो आप, और जो भी आप डिफरेंट सॉल्विंग करोगे, डिफरेंट सॉल्विंग मतलब क्लास के अलावा जो आप सॉल्विंग करोगे, मैं आपको बताऊंगा क्लास में कि क्लास के अलावा सॉल्विंग आपको क्यों करनी पड़ेगी, और मेरा मटेरियल जो आपको मिलेगा उसमें से करनी पड़ेगी। तो अगर आपको लगता है कि एक सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए सेपरेट सॉल्विंग करने के लिए, आपकी सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप दो रजिस्टर मेंटेन करेंगे, एक रजिस्टर जो आपका क्लास में चलेगा और दूसरा रजिस्टर जो आपका सेल्फ प्रैक्टिस वाला चलेगा। सेल्फ प्रैक्टिस वाला रजिस्टर आपका तभी यूज होगा जब हमारा चैप्टर खत्म हो चुका होगा, मैंने सब कुछ आपको अपनी तरफ से करवा दिया है, अब बीइंग अ स्टूडेंट आपकी खुद की प्रैक्टिस होना जरूरी है, तो वो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये सेल्फ प्रैक्टिस कब कब अपनी काम आएगी, जब मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया, आपको प्रैक्टिस करनी है, और मैंने आपको टारगेट दिया है कि इतने दिन में प्रैक्टिस कंप्लीट कर लो, क्योंकि हमारा इस टाइम पर टेस्ट आएगा, तो क्लासेस के दौरान हमारे टेस्ट भी होंगे। यस, उनको चेक भी किया जाएगा, और टेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम संडेज में होंगे, तो संडेज से पहले अगर आपको लगता है कि मुझे सेल्फ प्रैक्टिस करना है तो वो कॉपी आपकी अलग होनी चाहिए, तो दो कॉपी आपको मेंटेन करनी चाहिए कायदे से। इसके अलावा सिलेबस की बात करें, सबसे पहले CA फाइनल पेपर नंबर 1, पहला पेपर, और पहला पेपर मतलब यूज मान लो कि मिनिमम से मिनिमम आपको पहले पेपर से पहले 5 दिन देने चाहिए। जब एग्जाम हमारे होते हैं तो हमारे पहले 5 दिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को जाते हैं, कुछ बच्चे 6 दिन देते हैं, कुछ बच्चे 7 दिन देते हैं, कुछ बच्चे अननेसेसरी 10 दिन भी देते हैं, और कुछ बच्चे जो कॉन्फिडेंट होते हैं वो 4 दिन भी देते हैं, तो 5 दिन एक रिस्पेक्टिव सही समय है जो हम इस पेपर को देते हैं एग्जाम के टाइम पे। 100 मार्क्स का पेपर है। सिलेबस अभी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं क्या है, उससे पहले ये जो हमारा बैच है ये किस अटेम्प्ट के लिए अप्लीकेबल होने वाला है, तो ये बता दूं मैं कि क्योंकि हमारा ये ICI मॉड्यूल बैच है, FR के अंदर जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो ना के बराबर अमेंडमेंट्स होते हैं, बहुत ही माइन्यूट अमेंडमेंट्स होते हैं। यू कैन से कि आने वाले 3 साल तक अगर ये बैच अप्लीकेबल है, तो 3 साल में आप ये मान लो कि क्या क्या मैक्सिमम से मैक्सिमम चेंज होगा,
5% के मैक्सिमम चेंजेस होंगे एग्जिस्टिंग सिलेबस के अंदर आने वाले 3 सालों में, 5% के चेंजेस होंगे। इसके अलावा क्या कोई कोई नया टॉपिक आ सकता है आने वाले सालों में? तो यस, एकाध कोई नया इंडेएस आ सकता है। जैसे अभी हमारा जो पूरी इंडेएस की सीक्वेंसेस है उसमें इंडेएस 116 इज द लास्ट इंडेएस एज पर द नोटिफाइड एज पर द एमसी। तो नया इंडेएस क्या आ सकता है आने वाले 3 सालों में? तो हाँ, 117 आ सकता है। और एकाध कोई दूसरा इंडेएस आया तो ठीक है, नहीं तो बस 117 आ सकता है। तो एकाध इंडेएस आ जाएगा 3 सालों में, मतलब बहुत कम बता रहा हूं मैं ये। और 5% के आसपास छोटे मोटे अमेंडमेंट्स इसके अंदर एग्जिस्टिंग सिलेबस में होंगे। सो ये बैच जो भी करेगा उसका अटेम्प्ट कुछ भी हो सकता है। लाइक मई 24 से लेकर यहां पर मैं कह सकता हूं कि नवंबर 26 अटेम्प्ट तक आराम से जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये बैच अप्लीकेबल है, सभी बच्चों के लिए अप्लीकेबल है। हमने इस बैच को ICAI मॉड्यूल बैच रखा है नाम, और ICAI मॉड्यूल बैच का नाम रखने का रीजन ये है कि हम ICAI मॉड्यूल 100% कवर करेंगे, और उसके साथ साथ मैं जो आपको अपना मटेरियल प्रोवाइड करूंगा वो वाली चीजें भी अलग से करेंगे। सबसे पहले अगर आप अपनी कॉपी यूज कर सके तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे कुछ लिखवाना है आप सबको। सो अपनी कॉपी जरूर लिखे, अभी निकाल लीजिएगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर नंबर 1, हम इसके अंदर क्या क्या करने वाले हैं? सर, हमारे सिलेबस में क्या इंडेएस और इंडेएस के अलावा भी कुछ है? यस, हमारे सिलेबस में मोर ओवर हमारा जो सिलेबस है वो 90% कह सकते हैं, 100 मार्क्स में से 90 मार्क्स का पेपर जो रहने वाला है वो इंडेएस का रहने वाला है। 90 मार्क्स, 10 मार्क्स का पेपर इंडेएस तो नहीं पर इंडेएस से रिलेटेड रहेगा। जैसे इंस्टीट्यूट ने जो नया कॉन्सेप्ट, जो नए 2 चैप्टर लाए हैं वो एथिक्स से रिलेटेड एक चैप्टर लाया है, पर इंडेएस का ही कंप्लायंस करते वक्त हमें एथिक्स को कैसे फॉलो करना है, ठीक है ना। आप अपने क्लाइंट प्लेस पर हो और आप इंडेएस उसने पूरे प्रॉपरली कंप्लाई नहीं किया है, अब यहां पर आपका क्या रोल आता है, ठीक है ना। अभी तक तो क्या है, एज ए स्टूडेंट मैं आपसे पूछूं कि बेटा देखो सही फॉलो किया है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ हाँ सर ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ दिस इज नॉट द वर्ड प्रॉपरली। अगर इंस्टीट्यूट अपने से पूछेगा कि भैया इस पे आप कमेंट करिए अपने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होके, तो आपको एथिक्स को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ आंसर्स राइटिंग करने पड़ेंगे। तो वो जो एक नया चैप्टर आया है वो इंडेएस से रिलेटेड है, पर नॉट इन इंडेएस, वो इंडेएस नहीं है पर इंडेएस से रिलेटेड है। दूसरा चैप्टर उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड निकाला है। पहले कभी आप उसको सीए इंटर में ईआईएस करके आपका एक सब्जेक्ट हुआ करता था, ईआईएस सब्जेक्ट सबको पता होगा, सीए इंटर के अंदर ईआईएस करके जो अब नहीं रहा है न्यू सिलेबस में, उस चैप्टर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से एक चैप्टर निकाला गया है बेसिकली, वहां से एफआर में डाला गया है बेसिकली। तो ये जो पेपर है इसके अंदर हम सारे इंडेएस पढ़ेंगे, हम इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग करेंगे पूरे के पूरे सिलेबस में। इनडेप्थ का मतलब ये होता है कि हम सब कुछ करेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, और अगर ICAI के मॉड्यूल में दो दो तीन तीन पैराग्राफ्स हैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो एट द सेम टाइम मेरा जो कॉन्सेप्ट बुक आपको दिया जाएगा वो बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में है, वो सब कुछ कवर करके मिलेगा बट वो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में और वो टू द पॉइंट है, तो वो भी आपको प्रोवाइड होगा ताकि हम हमारा समय बचा सके। अब मान लो एक पैराग्राफ है जो कि तीन तीन चार चार पैराग्राफ तीन तीन चार चार पेजेस में कवर हो रहा है, ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट हमें पता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसका इतना भी रेलेवेंस नहीं है, तो उसको मैं कॉन्सेप्ट बुक से भी साथ साथ में पढ़ाऊंगा। और उसका रीजन है कि भैया हमें मॉड्यूल भी इसलिए पढ़ना है और कॉन्सेप्ट बुक भी साथ में इसलिए पढ़ना है ताकि हम एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सके, हमें एमसीक्यूज पे भी काम करना है आगे चल के। तो हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें होने वाली है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पूरा ये कंटेंट है हमारे सिलेबस का, द नंबर 1 पॉइंट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इज इंट्रोडक्शन टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम शेड्यूल 2 जो बैलेंस शीट पीएनएल का फॉर्मेट है शेड्यूल 2 का, उसके अंदर 3 डिवीजन होते हैं, डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3। तो डिवीजन 2 जो होता है वो इंडेएस रिलेटेड होता है, वो हम पढ़ेंगे हमारे सिलेबस में। इंटरमीडिएट में आप जब शेड्यूल 3 पढ़ते थे, अगर आपको याद होगा इंटरमीडिएट में, तो आपको डिवीजन 1 पढ़ाया जाता था। जितने भी यहां पर मेरे स्टूडेंट्स होंगे सीए इंटर के, उनको पता होगा कि हम इंटर में डिवीजन 1 पढ़ते थे, और आपके आपको पता होगा बाकी सबको भी, यहां पर डिवीजन 2 अप्लीकेबल है। और इसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए गाइडेंस नोट भी हमारे सिलेबस में डाला गया है। तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, दिस इज द बेसिक्स बेसिकली। द सेकेंड चैप्टर इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंडेएस जब ड्राफ्ट होता है, जब इंडेएस को ड्राफ्ट किया जाता है, तो उसके कुछ बेसिक फाउंडेशंस होते हैं, जैसे कि असेट का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, इनकम
लाइबिलिटी सॉरी इनकम एक्सपेंसेस इक्विटी, इन सब का मतलब क्या होता है? तो इन सब के मीनिंग्स को इंड एएस में कवर नहीं किया गया। जब इंड एएस बनाया जाता है तो उसका एक बेसिक फाउंडेशन तैयार किया गया कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के नाम पर। और कोई चीज अगर जैसे मैं मान लीजिए एक क्लाइंट हूं, मुझे इंड एएस का कंप्लायंस करना है पर मुझे मेरा ट्रीटमेंट किसी इंड एएस के अंदर नहीं मिल रहा है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें तब काम आएगा जब हमें कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसी इंड एएस में नहीं मिल रहा है। अब मान लीजिए मैंने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया जिसका ट्रीटमेंट किसी इंड एएस में अवेलेबल ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास एक फ्रेमवर्क है, एक बेसिक फाउंडेशन मुझे बना के दिया गया है। किसने दिया गया है? आईसीआई ने। इंड एएस बनाने के लिए आईसीआई की जो एएसबी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो भी इस बेसिक फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। जब भी कोई इंड एएस बनता है तो वो इस बेसिक फ्रेमवर्क फाउंडेशन को यूज करते हैं। तो ये पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को मैं यूज कर सकता हूं किसी भी ट्रीटमेंट के लिए अगर मुझे ट्रीटमेंट किसी स्टैंडर्ड के अंदर नहीं मिल रहा है। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर आपके सीए इंटर में भी था और वहां वो चैप्टर का नाम था कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर एएस। वो था फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एएस। यहां आ गया एज पर इंड एएस। ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो ये चैप्टर को रिपीट किया गया है, आपके इंटर में भी था, यहां पर आपके फाइनल में भी है। ठीक है, तो शेड्यूल थ्री भी आपके इंटर में था पर डिविजन वन था, यहां डिविजन टू है। अब यहां से आप देखोगे कई सारे इंड एएस आपके यहां पर एप्लीकेबल है। आप जानते हो टोटल मिला के कितने इंड एएस है? कोई जवाब देना चाहेगा? टोटल कितने इंड एएस, टोटल कितने इंड एएस एमसीए ने नोटिफाई करके रखे? टोटल एमसीए ने कितने इंड एएस नोटिफाई करके रखे? एनीबडी? आई थिंक 36 इंड एएस है शायद। 39 बोला अतुल ने, रोशनी ने 35 बोला, आपने किसी ने बोला 36। ओके 40 ऋतिक भगत 40। अच्छा, So, मैं बता दूं कि अभी तक 39 इंड एएस नोटिफाइड हैं, 39 इंड एएस नोटिफाइड हैं, माइनस जो हमारे सिलेबस में अप्लीकेबल नहीं है वो है चार इंड एएस हमारे सिलेबस में अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इंड एएस 29 नहीं है, इंड एएस 104 नहीं है, इंड एएस 106 नहीं है और इंड एएस 114 नहीं है। तो कुल मिला के हमारे सिलेबस में 35 इंड एएस है, 35। ठीक है ना, हमारे सिलेबस में 35 इंड एएस एप्लीकेबल है। रोशनी ने 35 बोला था पर वो सिलेबस वाले 35 है, नोटिफाइड एएस इंड एएस 39 है। तो ये सारी लिस्ट है आपके सामने पूरे इंड एएस की। एक एक इंड एएस का मैं नाम ले दे जाऊंगा तो दो घंटे उसी में खत्म हो जाएंगे, कोई अभी सेंस नहीं है। मैं जब आपको सिलेबस अपने हिसाब से लिखवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये पूरी लिस्ट है आपके सामने उन्होंने इंड एएस के दिए। ठीक है ना, उन्होंने किस तरीके से कवर किए ये जरूर अपन देख सकते हैं। कुछ इंड एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, कुछ इंड एएस अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर बेस्ड होते हैं, कुछ इंड एएस इनकम के ऊपर बेस्ड होते हैं। वो एक ही है 115, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। अच्छा, 10 मार्क से याद आया, इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस तो डाल दिया अभी फिलहाल उन्होंने, एज मच आई नो, जब तक मैं कल रात को बैठ के वेबसाइट देख रहा था अभी तक उन्होंने वेटेज नहीं दिया, हर टॉपिक वाइज वेटेज उन्होंने दिया नहीं है। ठीक है ना, आगे चल के वो वेटेज अभी रिलीज करेंगे कि किसमें से कितना कितना वेटेज है, लाइक इन पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना वेटेज होगा, नेक्स्ट कैटेगरी में कितना वेटेज होगा, अभी तक इंस्टीट्यूट ने वो रिलीज नहीं किया है। बहुत सारे इंड एएस असेट लायबिलिटीज के ऊपर बेस्ड है, असेट लायबिलिटीज के ऊपर बहुत सारे हैं, इन्वेंटरी, पीपीई, लीजेस, बोरिंग कॉस्ट, इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब। उसके बाद कुछ आइटम्स, कुछ इंड एएस ऐसे हैं जो स्पेशल कैटेगरी के इंड एएस है, इनकम टैक्सेस के ऊपर, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, तो वो स्पेशल कैटेगरी के इंड एएस हो गए आपके। ठीक है, कुछ इंड एएस सिर्फ डिस्क्लोजर बेस्ड इंड एएस है, कुछ अगेन स्पेशल कैटेगरी कंटिन्यू किया गया, जैसे ग्रांट हो गया, ईसॉप हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सेपरेट इंड एएस है। इसके अलावा ग्रुप अकाउंटिंग मतलब कंसोलिडेशन, होल्डिंग सब्सिडरीज, अमेलगमेशन जिसको आप इंटर में पढ़ते थे, आप डीमर्जर्स, इनके ऊपर कुछ इंड एएस यहां पर कवर हो गए। ठीक है, और एक इंड एएस है 101, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन। जब भी कोई कंपनी पहली बार इंड एएस अडॉप्ट करती है तो उसको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो इंड एएस 101 है। ठीक है, तो ये सारे इंड एएस हैं। इसके अलावा कौन से चैप्टर्स हैं? इसके अलावा एक चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चैप्टर के अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली सबसे लास्ट में मैं पढ़ाता हूं हमेशा। रीजन, ये जो चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा, बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजेदार, ये क्वेश्चन के इसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो 15 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आएगा? आपको देगा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन देगा आपको कि भाई आपका क्लाइंट है वो एएस से इंड एएस में चला गया,
वो पहले AS फॉलो कर रहा था और अब वो AS से IndAS में चला गया और अभी उसकी बैलेंस शीट है IndAS वाली, उसने ये बैलेंस शीट बनाई है, उसके अकाउंटेंट ने IndAS वाली, और ये बैलेंस शीट सामने है। अब वो आपको गलत बैलेंस शीट देगा, उसने बहुत गलतियां करके रखी होंगी, IndAS के अकॉर्डिंग बनाया होगा पर बहुत गलतियां। गलतियां किस रिस्पेक्ट में? गलतियां प्रेजेंटेशन के रिस्पेक्ट में, तो आपको कुछ IndAS यहां वाले लगाने पड़ेंगे। गलतियां इनकम को रिकॉग्नाइज करने के रिस्पेक्ट में, गलतियां असेट लायबिलिटीज के ट्रीटमेंट के रिस्पेक्ट में, उसने अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करने के रिस्पेक्ट में। तो वो आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देगा आपके क्लाइंट का और बोलेगा कि आप अपना ये क्लाइंट समझो और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक करके दो एज पर द IndAS। तो ये चैप्टर पढ़ने के लिए हमें सभी IndAS की नॉलेज होना जरूरी है, सभी IndAS की नॉलेज होना जरूरी है। मैंने इसका एक वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो मैंने YouTube पे डाल के रखा है, हालांकि हम तो अच्छे से क्लास में कवर करेंगे पर मैंने YouTube पे डाल के रखा है। वो YouTube वाले वीडियो को बहुत जबरदस्त व्यूज आए थे, बच्चों को बहुत पसंद आया था क्योंकि हमने इसको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से किया था, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके। तो ये चैप्टर पूरे IndAS के ऊपर बेस्ड है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गलत बैलेंस शीट और P&L देगा, आपको सही करके देना है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये पूरा IndAS के ऊपर बेस्ड हो गया। अब लास्ट के जो दो चैप्टर्स हैं इनका वेटेज, यहां से यहां इनका वेटेज लगभग लगभग आपका 5 से 10 मार्क्स का रहेगा। जरूरी नहीं कि हर पेपर में ये दोनों चैप्टर आए, किसी पेपर में हो सकता है एथिक्स के ऊपर पूछ लिया, किसी पेपर में टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछ लिया, किसी में दोनों भी आ सकते हैं। तो 5 से 10 मार्क का वेटेज है एथिक्स विद अकाउंटिंग, एथिक्स विद अकाउंटिंग। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर मैं आपको पर्सनली पढ़ाऊंगा विद द हेल्प ऑफ माय कलीग CA रवि टावरी सर, जो ऑडिट में भी है, बिकॉज इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोफेशनल एथिक्स के कॉन्सेप्ट भी है। प्रोफेशनल एथिक्स जो आपको पहले ऑडिट में पढ़ाया जाता था, बेसिकली ऑडिट के अंदर भी प्रोफेशनल एथिक्स है, आपके सिलेबस में होगा। सो इसमें मुझे एक ऑडिटिंग के फैकल्टी की जरूरत पड़ेगी, सो CA रवि टावरी सर के साथ मिलकर मैं आपके साथ चैप्टर डिस्कस करूंगा, मतलब वो आपको अपने पूरे प्रोफेशनल एथिक्स के ऑडिटर के कॉन्सेप्ट बताएंगे एंड देन उसके बाद मैं आपके साथ इसके प्रैक्टिकल अप्रोच डिस्कस करूंगा। द नेक्स्ट चैप्टर इज टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटिंग, ये प्योर आपका EIS रिलेटेड चैप्टर है। EIS मतलब क्लाउड और दुनिया भर की चीजें, उससे रिलेटेड चैप्टर है। तो इसको मैंने देखा जब, तो आई फाउंड कि ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम EIS के चैप्टर से लिया गया है। तो ये चैप्टर पढ़ाने के लिए मैं एक और फैकल्टी की हेल्प लूंगा, बट एट द सेम टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग में मैं साथ रहूंगा आपके, क्योंकि सीधी सी बात है अगर मुझे आपको अच्छे से गाइडेंस करना है, एक्सपर्ट नॉलेज देना है, तो ये चैप्टर के लिए कोई एक्सपर्ट होना चाहिए। अब जब मैं EIS शुरू से पढ़ाता ही नहीं हूं तो डेफिनेटली मैं एक्सपर्ट नहीं कहला सकता, तो डेफिनेटली मैं आपको अगर पढ़ पढ़ के पढ़ाऊं तो भी ना मजा नहीं आएगा आपको, इसीलिए मैं इस चैप्टर में भी किसी पर्टिकुलर फैकल्टी की हेल्प लूंगा, एट द सेम टाइम मैं भी साथ में आपको इसमें गाइड करूंगा। तो ये चैप्टर इस तरीके से, बाकी के दो हम लास्ट में कवर करेंगे। और इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है, सारे के सारे डिफरेंसेस नहीं, सिर्फ डिफरेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट जो इंटरमीडिएट में था, AS9 मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन, AS19 मतलब लीजेस आपने इंटर में पढ़ा था, और AS22 मतलब इनकम टैक्सेस। इन चार AS को IndAS से कंपेयर करवाया जाएगा, क्योंकि जो AS7 और 9 है वो IndAS 15 के डिफरेंसेस में आएगा, AS19 जो है वो IndAS 116 के डिफरेंस से आएगा, और AS22 जो है वो IndAS 12 के डिफरेंस से आएगा। इंस्टीट्यूट इन पर्टिकुलर तीन IndAS से रिलेशन के रिलेशन में आपसे डिफरेंसेस भी मांगेगा, आपसे डिफरेंसेस भी पूछेगा। अब वो कैसे पूछ सकता है, कोई केस स्टडी दे दिया आपको उन्होंने, या कोई MCQ दे दिया आपको उन्होंने, और आपके सामने उस MCQ में कोई केस स्टडी डाल दिया, और वही सेम चीज कि भाई पहले वो AS फॉलो करता था अब वो IndAS फॉलो कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में वो डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए वो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो सारे के सारे AS वर्सेस IndAS के डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ ये पर्टिकुलर तीन IndAS के डिफरेंसेस चार AS से रिलेटेड में है, ये आपको करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी लिख लिया कि अगर आगे चल के कोई नया IndAS आया और अगर उसको हमने अप्लाई किया तो वो आपके सिलेबस में भी आएगा। मैंने आपको बता दिया कि आने वाले टाइम में एक प्रपोज्ड IndAS है IndAS 117 इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर, वो आ सकता है। उसके चांसेस कितने हैं आने वाले कम से कम साल भर तक, तो मुझे मुश्किल लग रहा है, तो इसीलिए अभी उसमें टाइम है, बहुत टाइम है, ठीक है। इसके अलावा दैट्स इट, अगर कोई अलग से इंस्टीट्यूट ने कुछ टॉपिक इंक्लूड किया एक्सक्लूड किया तो वो समय समय पर आपको बताता रहेगा, दैट्स इट। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा सिलेबस है। अब आप अपनी कॉपी निकालिए, और हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सिलेबस को थोड़ा सा अलग तरीके से कवर अप करने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले अगर मैं पूरे सिलेबस को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करूं तो हमारा जो पहला हिस्सा आता है, हमारा जो पहला हिस्सा होता है वो होता है असेट्स लायबिलिटी बेस्ड इंड एएस, असेट लायबिलिटी बेस्ड इंड एएस। ओल्ड सिलेबस में तो इसका वेटेज हुआ करता था लगभग 20 मार्क से 25 मार्क का, मतलब असेट लायबिलिटी के अंदर जितने भी इंड एएस है, अभी मैंने आपको दिखाया था असेट लायबिलिटी के अंदर ये सब इंड एएस है 2 से लेकर 37 तक, ये वाले, इन सब का वेटेज ओल्ड सिलेबस में 20 से 25 मार्क का था। मैं अपना आपको जो भी वेटेज दे रहा हूं वो अपना एक अनुमान करके दे रहा हूं, एस्टिमेट करके दे रहा हूं। मुझे लग रहा है कि यहां पर 15 मार्क्स के करीबन का वेटेज हो सकता है, 15 मार्क्स का। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूं, मैं सिर्फ सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर की बात कर रहा हूं, जो 30% एमसीक्यू है मैं उसको छोड़कर बाकी बोल रहा हूं कि 15 मार्क्स का अपना पेपर आ सकता है। तो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की बात करें तो एक कैटेगरी हमारी असेट लायबिलिटी वाली कैटेगरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी कैटेगरी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ग्रुप अकाउंटिंग। ये ग्रुप अकाउंटिंग मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी, कंसोलिडेशन बेसिकली, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कंसोलिडेशन, बिजनेस एक्विजिशंस, मर्जर्स, ये सब। ये सेकंड कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट ओल्ड सिलेबस में भी थी, न्यू सिलेबस में भी है। ओल्ड सिलेबस में आप इसका वेटेज सुनोगे हैरान हो जाओगे, इन दोनों से मिलकर कम से कम 45 मार्क्स का पेपर बनता था, इन दोनों से मिलकर। ओल्ड सिलेबस तो 100% डिस्क्रिप्टिव था, तो इन दोनों से मिलकर कम से कम 45 मार्क्स का पेपर बनता था, कभी 40 कभी 45 का। तो डिस्क्रिप्टिव हमारा अभी बिकॉज 70 मार्क्स का है, तो मैं मान के चल सकता हूं कि मुझे जो पर्सनली ऐसा लगता है कि लगभग 30 मार्क्स इसमें से कवर हो सकते हैं। 70 मार्क्स की बात करें तो 30 मार्क्स इसमें से कवर हो सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और ग्रुप अकाउंटिंग। ये जो दो टॉपिक है ये हमारा सबसे ज्यादा टाइम लेने वाले हैं, सबसे लंबा टाइम हमारा ये दोनों टॉपिक लेने वाले हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारा बहुत टाइम लेगा और ग्रुप अकाउंटिंग बहुत टाइम लेगा। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो है स्पेशल इंड एएस कैटेगरी में अगर हम थोड़ा लिखने जाएं तो बेसिकली इंड एएस 12 102 21 20, उसके बाद 33 अर्निंग्स पर शेयर, ये पूरी की पूरी स्पेशल कैटेगरी है, स्पेशल इंड एएस कैटेगरी है ये। तो स्पेशल इंड एएस कैटेगरी जैसे इसके अलावा 108 113 और कौन सा बचा, दैट्स इट। तो ये कैटेगरी पर्टिकुलरली, इस कैटेगरी का भी पहले वेटेज लगभग 20 मार्क 22 मार्क ऐसे हुआ करता था, 20-22 मार्क्स का होता था, ठीक है। बट अभी मुझे लग रहा है क्योंकि 70 मार्क्स हो गया है तो लगभग मुझे इस कैटेगरी का भी 15 मार्क्स का वेटेज लग रहा है, 15 मार्क्स के आसपास कुछ वेटेज होगा स्पेशल इंड एएस कैटेगरी का। फिर जो फोर्थ कैटेगरी हो जाएगी वो हो जाएगी, सिर्फ उसमें एक ही कैटेगरी है, एक अकेला इंड एएस है, इंड एएस 115 रेवेन्यू के ऊपर, इनकम्स के ऊपर, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था इंड एएस ऑन इनकम स्टेटमेंट 115। सो ये एक अपने आप में एक अलग कैटेगरी हो गई भाई, इनकम कैटेगरी। इसका वेटेज नए सिलेबस में कभी 20 मार्क होता था, कभी 15 और बहुत ही रेयर सिचुएशन में 10 मार्क्स होता था। तो अगेन मैं इसको 10 मार्क्स तो दूंगा। ये हो गई फोर्थ कैटेगरी। अब फिफ्थ कैटेगरी हो गई आपके मिसलेनियस इंड एएस। मिसलेनियस इंड एएस में सब छोटे 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 इंड एएस आते हैं, इंड एएस 1, ठीक है, फिर उसके बाद इंड एएस 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आप इंटर में पढ़ के आए हो पूरा रिपीटेड है, सेम टू सेम है, ठीक है ना। इंड एएस 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, इंड एएस 10
इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, ये सब आप इंटर लेवल के जो भी इंडेस है ना वो मैक्सिमम यहां पर आपके मिसलेनियस इंडेस में आ गए। तो मिसलेनियस इंडेस का भी आप मान के चलो 15, 15, 30 और ये अगर हो गया तो मिसलेनियस इंडेस का भी आप मान के चलो 5 to 10 मार्क्स का कैटेगरी हो गया। और इसके अलावा अदर देन इंडेस छठी कैटेगरी हो गई अदर देन इंडेस। अदर देन इंडेस में क्या क्या आ गया भाई, एक एथिक्स वाला चैप्टर आ गया, एक आईटी वाला चैप्टर आ गया, ठीक है। अच्छा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा था कि भाई बहुत मस्त चैप्टर है ये वाला एनालिसिस, ये वाला मैं इसको मिसलेनियस में ना रख के मैं इसको सब में ही कवर हो जाएगा, मतलब ये ओवरऑल इन सबसे जुड़ा हुआ है तो मैं इसको ऐसे अलग से नहीं रख रहा हूं, ठीक है ना। इसके अलावा मान लो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हो गया, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, तो ये मिलके आपका 5 to 10 मार्क्स हो सकता है। इस तरीके से आपका एक 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर बन सकता है। अब ये मेरा एक अंदाजा है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है जब इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से वेटेज प्रोवाइड करेगा। कुल मिलाकर मैं आपको ये सिलेबस क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए। हमें हमारे सिलेबस के अंदर ये पता होना चाहिए कि यार कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस करना है और कौन सी चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कम है। तो हमारे लिए ये चार कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फोकस करने वाली कैटेगरीज हैं। और मिसलेनियस इंडेस है जिसमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बहुत इंडेस है इसके अंदर, 7-8 इंडेस है, बट ओवरऑल इसका जो वेटेज होगा वो बहुत कम होगा, 10 मार्क के अंदर होगा। अदर देन इंडेस तो डेफिनेटली वो 10 मार्क के अंदर अंदर ही है। सो ऑल इन ऑल ये सब कुछ हमारे पूरे इंडेस सिलेबस में है। आज के दिन मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी बच्चे लाइव में जुड़ रहे हैं या मेरे साथ जुड़ते रहेंगे, आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से लाइव क्लासेस ले रहा हूं, उससे पहले मैं फेस टू फेस क्लासेस लेता था। तो फेस टू फेस में मोस्टली क्या है, बच्चों की रेगुलरिटी होती है, बट 2 साल से फेस टू फेस लेना मैंने बंद कर दिया है सीए फाइनल में। और मैं 2 साल से जब से लाइव ले रहा हूं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं क्या फेस कर रहा हूं कि शुरुआत के स्टार्टिंग के क्लासेस में लाइव में बच्चे बहुत आते हैं, ठीक है, पर धीरे धीरे वो लेफ्ट आउट होते जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं जीडीपीडी में, कि सर हम बाद में देख लेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर करके देख लेंगे। ये भी ठीक है, अगर वो बच्चे डेली एक एक लेक्चर रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी ठीक है, पर मैंने कई बच्चे देखे हैं, 50% स्टूडेंट्स आई हैव सीन जो लाइव से जीडीपीडी में कन्वर्ट होते हैं, और जीडीपीडी के बाद उनके एक एक महीने में सिर्फ 5-5, 6-6 लेक्चर्स होते हैं। कल ही की बात है, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन स्टूडेंट जिसने फरवरी में मेरा एक लेक्चर लिया था सीए फाइनल का, और अभी चल रहा है जुलाई का मंथ चल रहा है, तो इस टाइम पर उसने मुझे कॉल किया कि सर मैं आपके नए सिलेबस में कन्वर्ट होना चाहता हूं। आई जस्ट आस्क हिम कि कितने लेक्चर्स देख लिए, उसने बोला सर मैंने अभी तक 20 लेक्चर्स देखे हैं। फरवरी में उसने लेक्चर्स लिए थे और अभी तक उसने सिर्फ 20 लेक्चर्स देखे हैं। मैंने उसको डांट लगाई, लिटरली मैंने उसको डांट लगाई कि तू क्या कर रहा है, तू अपने करियर के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहा है। कभी कभार आप लोग इतना ज्यादा बिजी हो जाते हो या अपने आप को अननेसेसरी बिजी कर देते हो आर्टिकलशिप और आर्टिकलशिप के बाद के चीजों में कि आप भूल जाते हो कि आपको पढ़ाई भी करनी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आर्टिकलशिप को इंपॉर्टेंस मत दीजिए, अब तो आपको इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी पड़ेगी, स्पेशली उन बच्चों को जिनके सिर्फ 2 साल की आर्टिकलशिप है, बट मेक श्योर कि आपकी आर्टिकलशिप के बाद आप समय निकाल रहे हो जीडीपीडी में भी अगर आप देख रहे हो। तो लाइव का टाइमिंग मैंने 8 बजे रखा है, उसका रीजन ही यही है कि हम कम से कम सुबह टाइम पे उठ जाए। अगर मैं सुबह 6 बजे रखूं तो फिर तो बच्चे भाग जाएंगे, 7 बजे भी रखूंगा तो उठ के आते आते उनको 7:15 बज जाएंगे, 7:30 बज जाएंगे, फिर एक दूसरे से पूछेंगे कि भाई सर ने कितना करवाया क्या करवाया, चलो छोड़ो मैं बाद में देख लूंगा। 8 बजे इसीलिए टाइम मैंने आपके लिए चूज किया है कि अगर कोई बच्चा लेट उठता होगा सपोज अपनी लाइफ में, तो एटलीस्ट 8 तो वो रिस्पेक्टेबल टाइम पर आ ही जाएगा। दिन के 2 घंटे आपको मुझे देने हैं और 2 घंटे सफिशियंट है आपके लिए, डोंट वरी, हम आराम से इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करेंगे। आराम से मतलब ये नहीं कि हम डिले करेंगे, हम आराम से करेंगे, मतलब हमारा ये कोर्स अक्टूबर तक जाएगा और बहुत अच्छे से आराम से। रीजन ये है कि हमारा क्यूमुलेटिव रिवीजन बार बार होगा तो उसमें भी टाइम लगेगा, हमारे टेस्ट सीरीज बहुत सारे होंगे चैप्टर वाइज तो उसमें टाइम लगेगा, बीच बीच में हम डाउट सेशन हो सकता है, बीच बीच में डाउट सेशन ज्यादा हमारे लाइव क्लास में बढ़ जाए तो इसीलिए हम कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस ना कर पाए, और 2 घंटे के हिसाब से, तो इसीलिए हमारा अक्टूबर तक जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लाइव ले रहे हो तो बिल्कुल साथ रहे मेरे, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। कभी अगर मैंने कोई छुट्टी किया, मेरा तबीयत खराब हो सकता है, मेरा कोई पर्सनल इमरजेंसी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा हुआ, तो अगर मैंने मान लीजिए कभी वीकडे में छुट्टी किया तो मैं उसको कवर करूंगा संडे के दिन। अब आज कौन सा दिन है, हमारा फर्स्ट डे है सैटरडे, तो कल की क्लास रहेगी, कल भले संडे है पर ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज लेकर कल छुट्टी कर दूं, तो कल की क्लास रेगुलर टाइम पर रहेगी, कल पहला संडे है मैं क्लास लूंगा।
ये बात हो गई अपनी सिलेबस की और दुनिया भर की। अब आते हैं अपन बुक्स पे कि सर बुक्स के बारे में बात करिए, हमें किस तरीके से बुक्स को रेफर करना है। तो सबसे पहले ICAI स्टडी मॉड्यूल आपके पास होना चाहिए, ICAI का स्टडी मॉड्यूल होना चाहिए। कुल मिला के ICAI के 4 मॉड्यूल्स हैं। जब आप डाउनलोड करोगे तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, 4 मॉड्यूल्स हैं। लेट मी शो यू। ये देखिए CA फाइनल पेपर नंबर 1 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू स्कीम, इसमें उन्होंने 4 मॉड्यूल्स दिए, मॉड्यूल 1, फिर मॉड्यूल 2, फिर उसके बाद मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल नंबर 4। मॉड्यूल नंबर 4 इस तरीके से उन्होंने दिया है, उसी में उन्होंने बाकी मिसलेनियस भी कवर कर दिया है। एक बार ना, इस बार उन्होंने बहुत अच्छी चीज जोड़ी है आपके खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए, इंडियस पजल्स। उन्होंने पजल्स जोड़े हैं, बेसिकली कई जगह पर जोड़े हैं इंडियस पजल्स, आपको दिखेंगे कई बार। ये देखो पजल्स, हर मॉड्यूल के लास्ट में उन्होंने कुछ पजल्स जोड़े हैं, तो वो पजल्स भी अपन बीच बीच में सॉल्व करेंगे। कभी अपन को फ्री टाइम मिला तो शाम के टाइम पे कभी ऐसे अपन पजल सॉल्व करेंगे उसके। तो ये 4 मॉड्यूल है, तो इंस्टीट्यूट के ये 4 मॉड्यूल्स को हम कवर करेंगे। उसके अलावा जो मैं आपको अपनी बुक्स दूंगा, माई बुक्स, इसमें आपको पहला मिलेगा FR का इंड एस कॉन्सेप्ट बुक, इंड एस कॉन्सेप्ट बुक। ये बुक कैसा दिखता है उस पर इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये जो किताब मैं आपको दूंगा, ये इंड एस 115 है मेरे कॉन्सेप्ट बुक का। बेसिकली इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पर हमने ये पढ़ा, पूरे कॉन्सेप्ट किए, पूरे कॉन्सेप्ट किए, और बीच में मैंने जैसे मान लो इसके अंदर एग्जाम्पल डाल दिया, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स डाल दिए, ये मैंने जैसे करवाया। तो ये कॉन्सेप्ट बुक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट बुक इस तरीके से चलेगा। मैं आपको अपना एक कॉन्सेप्ट बुक का एक दूसरा नोट्स का दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, यस, कॉन्सेप्ट बुक आपको क्यों मिलेगी? मैंने मान लो आपको कोई टॉपिक पढ़ाया, ICAI के मॉड्यूल से। अब मुझे, मेरी आदत है कि मैं जब भी कुछ पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मुझे समझाना है तो मुझे उसका आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। अब अगर मुझे प्रैक्टिकल देना पड़ेगा तो मैं आपको एक एक एग्जाम्पल लिखवाने जाऊं, अगर मैं आपको एक एक एग्जाम्पल लिखवाने गया तो वो लिखने का टाइम बहुत वेस्ट होगा, उसके कारण नंबर ऑफ आवर्स बढ़ जाएंगे, आपकी क्लास लेट खत्म होगी। तो मैंने क्या किया है, पिछले 2-3 सालों में मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स लिखवा कर बनाए थे उनको मैंने छाप दिया अपनी किताब में। अब आपको मेरी किताब में जितने एग्जाम्पल्स दिखेंगे, कम से कम मेरी पूरे कंसेप्ट बुक के अंदर 300 एग्जाम्पल्स हैं, 300, वो सारे एग्जाम्पल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको ऑलरेडी लिखे हुए मिलेंगे कंसेप्ट बुक में। मतलब पढ़ रहे हैं हम ICAI के मॉड्यूल से, पर उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट बुक होगी। और मैं आपको बोलूंगा कि बेटा ठीक है, ICAI मॉड्यूल तुम अपने बगल में रखो, अब मेरी कॉन्सेप्ट बुक तुम आ जाओ, और वहां से हम एग्जांपल्स देखते हैं कि भाई इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आ जाओ, मैं तुम्हें एग्जांपल करवाता हूं। तो हर कॉन्सेप्ट के बाद तुम्हें ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रहेंगे, ये छुटमुटी कोई एग्जांपल की बात नहीं कर रहा हूं मैं बाकायदा बड़े बड़े एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के एग्जांपल की बात कर रहा हूं। तो हर कॉन्सेप्ट के बाद, जैसे ये मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट करवाया एग्जांपल खत्म, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट करवाया वापस एग्जांपल शुरू, ऐसे आप देखोगे हर कॉन्सेप्ट के नीचे आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, हर कॉन्सेप्ट के नीचे। और अगर कहीं कहीं मुझे लगेगा कि यार इसके कॉन्सेप्ट के नीचे एग्जांपल नहीं है, तो मैं आपको वो एग्जांपल लिखवाऊंगा, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिखवा दिया, मैंने ये सॉल्व करवा दिया। तो इस तरीके से जगह जगह पर आपको ऑथर नोट मिलेगा, कि ऑथर नोट का मतलब ये होता है कि भाई मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, पर समझाते समझाते मेरे को लगा यार ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वो यहां पर एक्स्ट्रा लिख दिया ऑथर नोट। जगह जगह आपको मिलेगी कि आप अपने स्टूडेंट नोट्स भी बना सकते हो। वापस से ये देखो एग्जांपल शुरू हो गया। तो कॉन्सेप्ट बुक इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से हम कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के बेसिस पर हम पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे हर चैप्टर के अंदर। तो ये रेलेवेंस है हमारे कॉन्सेप्ट बुक का, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पर मेरा गारंटी है कि जो एग्जांपल्स मिलेंगे वो एग्जाम लेवल क्वेश्चंस के बराबर मिलेंगे, और वो लगभग 300 एग्जांपल्स होंगे आपको। इसके अलावा FR इंडियस कॉन्सेप्ट बुक के अलावा आपको मिलेगा FR का QR कोड क्वेश्चन बैंक, QR कोड क्वेश्चन बैंक लुक्स लाइक दिस। जैसे ये इंडियस 115 है,
हर चैप्टर के फ्रंट पेज पर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं, और इंडेक्स। और इंडेक्स को ध्यान से देखो, मैंने क्यूआर कोड क्वेश्चन बैंक के अंदर हर टॉपिक के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन डाले और मैंने उसको सीरीज दे दिया, कोडिंग दे दी। मतलब 100 सीरीज के जितने भी क्वेश्चन होंगे, 100 सीरीज मतलब 101, 102, पहला क्वेश्चन 101 से शुरू होगा और मान लो इस सीरीज के अंदर 15 क्वेश्चन है तो 115 तक चलेगा। फिर अगर नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होगी तो 201 से शुरू होगी। ऐसा क्यों किया मैंने? अगर आगे चल के इंस्टीट्यूट अपना कोई नया क्वेश्चन ऐड करता है किसी कैटेगरी में, सपोज उन्होंने आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर उन्होंने एक नया क्वेश्चन ऐड किया, अब मुझे नया क्वेश्चन वो ऐड करना है तो मैं 116 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब सीरीज बनाने का मेरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मैं आगे भी मेरे पास एक स्कोप रहे किसी भी क्वेश्चन को ऐड या डिलीट करने का। अगर इंस्टीट्यूट ने ऐड किया तो मैं भी उस सीरीज में, उसी के सीरीज में कंटिन्यूशन में वो ऐड हो जाएगा। कोई मान लो 700 सीरीज का कोई नया क्वेश्चन आया और लास्ट क्वेश्चन था 704, सिर्फ चार ही क्वेश्चन थे, तो नया क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने डाला 705, तो मैं इसी सीरीज में डाल दूंगा 705। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज क्वेश्चन है, पहली बात तो ये आपको मिलेंगे। एग्जाम टाइम में इसका बहुत काम आएगा आपको, क्योंकि मान लो इस पूरे कैटेगरी में आपको लगता है कि यार ये कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विस अरेंजमेंट, मुझे काश इसके सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाएं, तो आप 900 कैटेगरी में जाएंगे और 900 कैटेगरी में जाके इसके सारे क्वेश्चंस एक बार में निपटा लेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। ये हो गया। दूसरा, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन की कोडिंग ऐसे होगी, क्यू क्यू मतलब क्वेश्चन, डॉट इंडेस 115 मतलब हमारा टॉपिक, उस पर्टिकुलर टॉपिक, अगर इंडेस 1 है तो इंडेस 1, अगर इंडेस 10 है तो यहां पर क्यू डॉट इंडेस 10, डॉट SM, SM मतलब स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन। सर स्टडी मॉड्यूल के लिए तो आपने बोला कि ये हम ICAE मॉड्यूल करेंगे, हाँ पर मैं क्या करूं, मेरी क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी बन चुकी है, मैं स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन ऑलरेडी अपने क्वेश्चन बैंक में डाल चुका हूं, तो मैं अब डिलीट नहीं कर सकता, प्रिंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो जो मैं आपको अभी बुक देने वाला हूं उस किताब में आपको ICAE मॉड्यूल के क्वेश्चन भी मिलेंगे वापस से, और ये आपका एडवांटेज है। मतलब ICAE मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे कर चुके होगे तुम मेरे साथ अलग से, पर क्वेश्चन बैंक में भी वो ICAE मॉड्यूल के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, एडवांटेज है, क्योंकि एग्जाम टाइम में तुम्हारे पास एक ही किताब होनी चाहिए, बार बार तुम ICAE मॉड्यूल ये क्वेश्चन बैंक लेके नहीं बैठोगे, एग्जाम टाइम में तुम यही बुक लेके बैठोगे जिसमें SM भी कवर होगा, SM मतलब ICAE मॉड्यूल का क्वेश्चन एंड 101। अब अगर ये सीरीज में आगे चले तो SM, अभी तक SM चल रहा है, उसके बाद जहां जहां मुझे कोई क्वेश्चन लगेगा कि SM का है पर वो सिमिलर टू RTP MTP का है, तो वहां बगल में आपको लिख जाएगा कि भाई ये क्वेश्चन सिमिलरली RTP में भी आया था। अब जैसे इस सीरीज में कोई RTP MTP का था नहीं, दूसरा अगर करें, लेट मी, हाँ एक कैटेगरी आपको मिलेगी OM, OM मतलब अदर मटेरियल, अदर मटेरियल मतलब RTP MTP पास एग्जाम पेपर नहीं, अदर मटेरियल मतलब मैंने कोई क्वेश्चन किसी दूसरे मटेरियल से उठाया है, सिंगापुर के CA इंस्टीट्यूट से उठाया है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा मैंने उसको इंक्लूड कर दिया, अदर मटेरियल OM, मैंने उसको ओल्ड सिलेबस से उठाया है, मान लो वो ओल्ड सिलेबस में था पर अब न्यू सिलेबस में डिलीट हो गया तो मैंने उसको OM कर दिया, ऐसे अदर मटेरियल वर्क वगैरह करके दिखेगा आपको। फिर आपको एक कैटेगरी दिखेगी, तीसरी कैटेगरी, यस RMP, RMP कैटेगरी मतलब R मतलब RTP, M मतलब MTP, P मतलब पास्ट एग्जाम पेपर्स। तो ये जो RMP वाला क्वेश्चन होगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टडी मॉड्यूल वाले SM वाले क्वेश्चन तो आप मेरे साथ क्लास में ICAE मॉड्यूल वाले कर चुके होंगे, पर जो ये RMP कैटेगरी होगी ये कैटेगरी आपको अपनी तरफ से प्रैक्टिस करनी है। कभी कभार क्लास में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशंस रखूंगा, उसमें आपको मैं ये करवाऊंगा, हमारे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे, मतलब नॉर्मल क्लास के अलावा हमारे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेशंस होंगे RMP क्वेश्चंस के लिए जो स्टडी मॉड्यूल के नहीं है। ठीक है, तो RMP कैटेगरी, जैसे ये क्वेश्चन RTP May 2021 में आया था तो RMP आ गया। तो ऐसे मैंने तीन कैटेगरी बना दी, SM मतलब ICAE मॉड्यूल, OM मतलब अदर मटेरियल, कोई ओल्ड सिलेबस का, सिंगापुर इंस्टीट्यूट का कहीं सा, और या फिर मेरा बनाया क्वेश्चन, और RMP मतलब RTP MTP पास एग्जाम पेपर। RMP कैटेगरी आपको इस पर्टिकुलर बुक के अंदर बहुत ज्यादा दिखेगी और वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसमें मैं भी आपको साथ दूंगा। ठीक है, ये चीज हो गई। एक और बात बता दूं, अब ये जो किताब आपके सामने खुली है ये वर्जन 4 है, आपको वर्जन 5 मिलेगा, आगे चल के वर्जन 5 का वर्जन 6 भी हो सकता है आगे, पर मैं वर्जन 5 की बात कर रहा हूं। उसका रीजन ये है कि वर्जन 5, वेट अ मिनट, यस
वर्जन 5 कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये ब्लैक एंड व्हाइट है, आपको कलर मिलेगा, डोंट वरी। वर्जन 5 के अंदर आपको क्यूआर कोड मिलेंगे, जो मेरी बुक का नाम है क्यूआर कोड क्वेश्चन बैंक। वर्जन 5 में क्यूआर कोड मिलेंगे और आने वाले सारे वर्जन में क्यूआर कोड मिलेंगे। अब वो आने वाले वर्जन बदलेंगे क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अटेम्प्ट होते जाएंगे तो ये बुक पुरानी होती जाएगी, तो मुझे वर्जन बदलने पड़ेंगे। नए क्वेश्चन आएंगे तो उनके क्यूआर कोड होंगे नहीं, तो मुझे उनका रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, मुझे उनको क्यूआर कोड बनाना पड़ेगा, तो ये क्यूआर कोड आएंगे। अब होगा क्या, जो हमारी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी उसमें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बगल में क्यूआर कोड है मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब वो क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि मैं आपको सारे कंसेप्ट करा चुका हूं, हम आईसीआई मॉडल के सारे क्वेश्चंस कर चुके होंगे। अब आरएमपी का क्वेश्चन और बगल में क्यूआर कोड है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है। जहां भी आप अटकोगे आप इसको स्कैन करोगे और इमीडिएटली मैं आपके सामने आ जाऊंगा और आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। मतलब आरएमपी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हैं तो ये क्यूआर कोड के बेसिस पर आप इसको कर सकते हो। पर किसी किसी आरएमपी क्वेश्चन के बगल में अगर क्यूआर कोड नहीं है, इसका मतलब वो मैं करवाऊंगा। गाइस मैं बहुत देर से कुछ कुछ बोलता जा रहा हूं, अभी आपको सब चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? यूज योर ऑडियो इफ पॉसिबल, अदरवाइज चैट पे आ सकते हो। यस सर। ऑल राइट, ठीक। सो आरएमपी इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, बट कैसे मैंने इसको बांटा है, जिस जिस क्वेश्चन के बगल में क्यूआर कोड है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस जरूरी है। मैं कितने भी क्वेश्चन आपको करवा लूं, मैं आपको 2000 क्वेश्चन करवा लूं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक जब तक आप 2001 नंबर क्वेश्चन खुद से ना करो। और आप करोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पहली बार में कर लोगे, आप गिरोगे, आप डेफिनेटली गिरोगे, आपको मजा नहीं आएगा, आपको लगेगा यार क्वेश्चन बन नहीं रहा, क्योंकि प्रैक्टिस लगेगी। और जहां जहां गिरोगे वहां वहां मेरा क्यूआर कोड आप यूज कर सकते हो। सर क्यूआर कोड को कैसे यूज करना है, हम सब जानते हैं, गूगल लेंस वगैरह आपके सबके मोबाइल में होगा। अगर किसी के पास आईफोन है तो नॉर्मल कैमरा अगर प्लेस करोगे इसके ऊपर तो वो ओपन कर देगा, नॉर्मल कैमरा किसी के पास आईफोन है तो। किसी के पास अगर एंड्रॉइड है तो गूगल लेंसेस ओपन कर दीजिएगा। आप अपनी एंड्रॉइड फोन में गूगल लेंस आता है एक बाय डिफॉल्ट, अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको जैसे ही स्कैन करोगे, इफ यू वॉन्ट यू कैन स्कैन, आप स्कैन करिए, सीधा सीधा अपना फोन इसके ऊपर रखिए, स्कैन करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज डू इट राइट नाउ। ये मैंने स्कैनर ओपन किया और ये मैंने स्कैन किया, ओपन किया और ये वीडियो सामने आ गया, ये वाला, ये ठीक है 5401, तो ये आपके सामने क्वेश्चन किया क्या? मनीष कह रहा है हो रहा है स्कैन, बाकी बच्चे मुझे बताओ स्कैन किया कि नहीं किया। एंड्रॉइड वालों के लिए गूगल लेंस, आईफोन वालों के लिए नॉर्मल कैमरा, ठीक है। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्यूआर कोड यूट्यूब पे डाला हुआ है, वो यूट्यूब पे आपको ऐसे सर्च करने से नहीं मिलेगा, स्कैन करोगे तो ही मिलेगा। द बेस्ट पार्ट इज अनलिमिटेड एक्सेस। एग्जाम टाइम में अगर उस क्वेश्चन में अटक गए तो कहां से मुझे लाओगे, क्लासेस तो वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, तो ये आपको काम आएगा, ये आपको काम आएगा उस टाइम पे। सो याद रखिएगा आपको इसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, फालतू का यूटिलाइजेशन नहीं, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है। पहले खुद क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, अगर मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, फिर अगर नहीं बनता तो आप उसको क्यूआर कोड करेंगे। आई होप आपको ये क्यूआर कोड क्वेश्चन बैंक समझ में आ गई होगी। मैं तो वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स का कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, मुझे जरूर बताओ। और अभी की अभी बताओ, बहुत मेहनत की है यार मैंने और मेरी टीम ने, मैंने और मेरी टीम ने लिटरली बहुत मेहनत की है इसके पीछे। शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक, जोरदार, बेस्ट कंसेप्ट, ठीक है, ग्रेट। चलो ये देखो मेहनत की है तो यार थोड़ा सुनना भी जरूरी है कि हाँ यार थोड़ा थोड़ा मिले तो सही मोटिवेशन की, हाँ यार और मेहनत करूं। कोई मोटिवेशन ही नहीं देगा तो फिर मैं मेहनत कैसे करूंगा आगे। तो अच्छा एक और चीज, बहुत सारे बच्चे यहां पर कट्टरवादी टाइप के होंगे, कट्टरवादी बच्चे होंगे, और ये सर आपने सारे क्वेश्चन के अंदर क्यूआर कोड नहीं दिया है। अरे बेटा जी मैं उन्हीं क्वेश्चंस के अंदर क्यूआर कोड दिया है, वो बहुत जो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, जो बहुत ही छुटपुटी क्वेश्चंस हैं, बेसिक वाले, उसमें आपको क्यूआर कोड शायद ना मिले क्योंकि वहां जरूरत शायद नहीं होगी। बट जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम टाइम में हम जो करके जाएंगे उसमें आपको क्यूआर कोड मेरा विश्वास है मिलेगा। और अगर आपको नहीं मिला तो वो आपका भाई आपको करवाएगा, वो मैं करवाऊंगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। एंड दिस इज द रीजन why आई एम saying दिस इज द आईसीआई मॉड्यूल बैच, मतलब आईसीआई मॉड्यूल करवाने की जिम्मेदारी मेरी। एक्स्ट्रा कम से कम ये क्यूआर कोड के अगर नंबर ऑफ आवर्स निकालूंगा तो कम से कम अपना ये 100 से 120 आवर्स निकलेंगे, जो कि आपको सेल्फ प्रैक्टिस में काम आएगा।
ये आपको खुद से काम आएगा. दिस इज एक्सेलेंट एंड एफर्ट्स आर वेल सीन इन द बुक्स क्यू आर कोड कंसेप्ट. वेरी गुड. इवन मतलब नॉट ओनली द क्यू आर कोड, आपको आगे इसका इंपॉर्टेंस आपको यहां समझ में आएगा. जब आप ये पर्टिकुलर चैप्टर जब रिवाइज करोगे ना, तो आप कैटेगरी वाइज आपको मजा आएगा कि हाँ यार ये कैटेगरी के क्वेश्चन कर लेते हैं. एनीवेज, सो ये किताब मिलेगी. तीसरी किताब जो हमारे क्लास में ही हमें लगेगी, दैट इज ईगल व्यू चार्ट बुक. ईगल व्यू चार्ट बुक लुक्स लाइक दिस. हर चैप्टर हर इंडेस को चार्ट के फॉर्म में कवर किया गया है. इंटर में भी मेरी ऐसे एएस की चार्ट बुक आती थी. जो बच्चे इंटर में से यहाँ पे जो बैठे होंगे पढ़े होंगे, कौन कौन से बच्चे मेरे से इंटर पढ़ चुके हैं, मेरे इंटर के यूट्यूब क्लासेस वगैरह कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से हेल्प ले चुके हैं, प्लीज मुझे चार्ट पे बताओ. तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ये चार्ट बुक के फॉर्म में मिलेंगे. सैंडी, साहिल, कृपाली, प्रियंका, मिताली, मोहित, अच्छा मनीष चार्ट बुक हेल्प की थी, सुदीप, मितांशी, किरण, हितेन, अच्छा ठीक. तो ये चार्ट बुक आपको मिलेगी. सर ये चार्ट बुक क्या हमें खुद को पढ़नी है? नहीं, खुद को तो बाद में पढ़नी है. हम इसका क्यूमुलेटिव रिवीजन क्लासेस के अंदर करेंगे, क्यूमुलेटिव रिवीजन करेंगे क्लासेस के अंदर. तो ये चार्ट बुक आपको मिलेगी. अब सर ये बताओ, आपने बोल तो दिया कि ये सब किताबें मिलेंगी, सर कब मिलेंगी? ये इंपॉर्टेंट है. लाइव वाले बच्चों को बता दूं कि इसका फर्स्ट शिपमेंट, ये वीडियो, ये जो मैं बात बोल रहा हूं, ये रेलेवेंट सिर्फ आने वाले कुछ दिन के लिए है. अगर ये वीडियो यूट्यूब पे जब जाएगा और बच्चे इसको डेमो की तरह देखेंगे, तो प्लीज कृपया करके इस वाली बात को ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अभी फिलहाल जब ये बैच शुरू हुआ है तो बुक्स पार्शियल शिपमेंट के फ्रॉम पार्ट में मिलेंगी, क्योंकि नया नया सिलेबस, कुछ हल्के फुल्के बदलाव, तो मेरा वॉल्यूम वन तैयार हो रहा है. तो फर्स्ट शिपमेंट मैं आपको वॉल्यूम वन ऑफ कॉन्सेप्ट बुक और वॉल्यूम वन ऑफ क्यूआर कोड क्वेश्चन बैंक, ये दो चीजें मिलेंगी. अगर पॉसिबल हो पाए तो चार्ट बुक भी दे दूंगा, अगर पॉसिबल नहीं हो पाए तो चार्ट बुक शायद ना दूं. मैं चार्ट बुक का हो सकता है सेकंड शिपमेंट में दूं. तो फर्स्ट शिपमेंट में आपको ये दो का वॉल्यूम वन मिलेगा. बाकी वॉल्यूम कॉन्सेप्ट बुक में मोटा मोटी दो वॉल्यूम होने वाले हैं. अगर ज्यादा कुछ हुआ तो वॉल्यूम थ्री बहुत पतला होगा, नहीं तो दो वॉल्यूम, और क्यूआर कोड में भी दो ही वॉल्यूम है. तो सेकंड वॉल्यूम बाद में आएगा, और वो बाद में आएगा तो उसके चैप्टर्स भी हम बाद में कवर करेंगे. और ईगल व्यू चार्ट बुक डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि कितना तैयारी हो पाएगी, उसके हिसाब से मैं आपको दे दूंगा फर्स्ट वॉल्यूम के साथ, नहीं तो सेकंड वॉल्यूम के साथ. तो ये आपको फर्स्ट शिपमेंट में मिलेगा, कुछ ही दिन में मिल जाएगा, डोंट वरी. जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा कंसेप्ट बुक के. आज की क्लास होने के बाद मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा कंसेप्ट बुक के वॉल्यूम वन के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के पीडीएफ जो मैं शुरू में करवाने वाला हूं, और क्वेश्चन बैंक के भी. ठीक है, आईसीएआई स्टडी मॉड्यूल प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपना फाइनल का रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए. आप वेट मत करिए कि 6 महीने बाद 1 साल बाद करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, नई किताबें बुलवा लीजिए, नहीं तो अननेसेसरी आपका प्रिंटिंग कॉस्ट लगेगा. ठीक है, 4 मॉड्यूल का प्रिंटिंग कॉस्ट आपका जाएगा लगभग 1000 रुपए. ठीक है, तो क्यों आप 1000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो? अगर खर्च करने हैं आपको, रजिस्ट्रेशन बाद में ही करवाना है, तो 1000 रुपए खर्च करके आप प्रिंटिंग करवा लो, और अगर नहीं तो आप आईसीआई का मॉड्यूल प्लीज कृपया करके बुलवा लो. ठीक है, तो ये आपको बुक्स के फॉर्म में रहेगा. हमारी पढ़ाई कैसे होगी? जैसे ये मॉड्यूल है आईसीआई का, ये आईसीआई का न्यू सिलेबस का मॉड्यूल है. अब हमारे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे, जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, मैंने कई जगह पर येलो मार्किंग करके रखी है. मैं पहले से ही येलो मार्किंग करके रखूंगा, ताकि क्लास में आने से पहले मेरी तैयारी हो चुकी होगी. अगर मार्किंग नहीं होगी तो मैं क्लास में मार्किंग करवाऊंगा. वो येलो आपको भी मॉड्यूल के अंदर हाईलाइटर करना है. यही रीजन है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि प्लीज मॉड्यूल ले लीजिएगा, क्योंकि ये हाईलाइटिंग आपको बहुत काम आएगी. येलो हाईलाइटर आपको बहुत काम आएगी. मॉड्यूल से पढ़ने के दो रीजन, पहला आपका पर्सनल सेटिस्फेक्शन. क्यों सर? मॉड्यूल कवर हो गया भाई, कुछ भी बोलो. स्टूडेंट के लिए ना आईसीआई मॉड्यूल एक बाइबल की तरह है, गीता की तरह है, कि भाई ये हो गया मतलब सब हो गया. तो एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन देने के लिए कि हाँ यार आपका सेटिस्फेक्शन मिल गया. दूसरा, इनडेप्थ नॉलेज चाहिए तो, और एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो एमसीक्यूज तो कहीं से भी आ सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा मॉड्यूल से पढ़ने से थोड़ा हेल्प होगा अपने को. तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्सेप्ट बुक पढ़ने से हेल्प नहीं होगा, कॉन्सेप्ट बुक में भी सब कुछ कवर है, पर उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कवर है. तो सारे कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आते जाएंगे उसको मैं मॉड्यूल के सीक्वेंस में लूंगा, और एट द सेम टाइम अपनी कॉन्सेप्ट बुक साथ साथ में रेफर करूंगा कि देखो बेटा आईसीआई मॉड्यूल में ये वाला पैराग्राफ था, इतना बड़ा है, उसको मैंने समझाया, अब आ जाओ कॉन्सेप्ट बुक से मैं तुम्हें सिंप्लीफाइड करके समझाता हूं. तो मैं ये दोनों किताबें साथ साथ लेते चलूंगा, आईसीआई मॉड्यूल कॉन्सेप्ट बुक साथ साथ लेते चलूंगा. ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, आईसीआई मॉड्यूल करना जरूरी है, ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए आपके लिए जरूरी है, इसलिए करवा रहा हूं.
फिर जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन अपन आईसीए मॉड्यूल से करेंगे, फिर आरएमपी को क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा वो क्यूआर कोड और वो कैसे चलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा यस 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 मैं आता हूं बेटा, किसी ने पूछा, ऋतिक ने आई थिंक, कि ऋतिक ने पूछा है सर हैंड रिटन नोट्स का क्या होगा। हाँ, जो भी मैंने यहां पर लिखवाया है, जो भी मैंने यहां पर लिखवाया है, लिखवाऊंगा, वो सब हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स, क्लास नोट्स वो मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? सिंपल है, जैसे ही क्लास हो जाएगी मैं यहां से उसको एक्सपोर्ट मारूंगा, ये देखो एक्सपोर्ट टू ऑल, और एक्सपोर्ट मारूंगा सीधा आपके क्या बोलते हैं ग्रुप में चला जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे चला जाएगा। यहां पे मैं टेलीग्राम कर दूंगा आपको, ये देखो टेलीग्राम, और ये जो भी आपके ग्रुप है यहां से, ये देखो न्यू सिलेबस का ये वाला अपना ग्रुप है, फॉर एग्जांपल मैंने ये डाल दिया, मैं इमीडिएटली आपके साथ शेयर कर दूंगा, हो गया शेयर। आप देखोगे अगर आपके टेलीग्राम ग्रुप पे तो ये फाइल आ गई होगी। तो हैंड रिटन नोट्स मैं इमीडिएटली आपके साथ शेयर करता रहूंगा, और इसके अलावा आपके लॉगिन के अंदर वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉगिन में भी आपको हैंड रिटन नोट्स बाकायदा सीक्वेंस वाइज दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? इस तरीके से, वो मैं आपको अपने लास्ट बैच को दिखा के बता सकता हूं। अरे आए कि नहीं, टेलीग्राम ग्रुप पे चेक करो आया कि नहीं। ये देखो इस तरीके से अपने क्लास नोट्स, ये जैसे ये ना एक पूरा आपको ड्राइव का पूरा फोल्डर्स मिलेंगे, जिसमें क्लास चैप्टर वाइज टेस्ट होगी। ये मेरी कोई दूसरी क्लास है, मैं किसी और क्लास का बता रहा हूं। चैप्टर वाइज टेस्ट का फोल्डर मिलेगा आगे चल के, जो भी मैंने टेस्ट लिए होंगे। क्लास नोट्स का फोल्डर मिलेगा, डेमो नोट्स का फोल्डर मिलेगा, और ये लेक्चर वाइज शेड्यूल मिलेगा। लेक्चर वाइज शेड्यूल, लेक्चर वाइज शेड्यूल के अंदर मैंने हर लेक्चर के अंदर, ये देखो हर लेक्चर के अंदर कौन कौन सा लेक्चर कितने कितने ड्यूरेशन का है, कितने कितने मिनट्स का है, कौन सा चैप्टर कितने कितने लेक्चर्स का है, वो पूरा शेड्यूल चलेगा। और उस शेड्यूल के बगल में आपको मिलेंगे रिविजन लेक्चर्स, इस तरीके से ये रिविजन लेक्चर्स मिलेंगे आपको, कि भाई मेन लेक्चर तो कर लिया, एग्जाम टाइम में उसके रिवीजन लेक्चर्स आपको मिलेंगे ये सब। और रिवीजन लेक्चर्स के अलावा आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगी, जैसे सुपर 40 क्वेश्चंस मैंने निकाल के रखे हैं, आगे चल के मैं सुपर 40 बदलता रहूंगा समय समय पर। एफआर एग्जामिनेशन सीरीज, मैंने इंग्लिश में कुछ लेक्चर्स लिए थे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रिविजन लेक्चर्स हो गए, हिंदी इंग्लिश के ऐसे कुछ वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो ये लेक्चर वाइज शेड्यूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये रिविजन वगैरह सब इसमें आपको अटैच मिलेगा, सब कुछ अटैच मिलेगा, ठीक है। मैंने ये आगे डाले नहीं है, मैं इसके अंदर डालने वाला हूं। तो इन दिस वे आपको ये लेक्चर वाइज शेड्यूल मिलेगा। तो क्लास नोट्स पे चलते हैं, क्लास नोट्स के फोल्डर के अंदर ये सारे फोल्डर देख लो ध्यान से, ये हाँ ये देख लो ऐसे भाई, इंट्रो पहला, फिर इंडियस 1 के नोट्स, इंडियस 16 के नोट्स, इंडियस 40 के नोट्स, इंडियस 2 के नोट्स, पूरे कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हुआ, फोल्डर के अंदर डल जाएंगे। इस तरीके से आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब अगर कोई कुछ लिखना भूल गए तुम लोग तो उसके हिसाब से तुम लिख सकते हो, तो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। फर्स्ट शिपमेंट बता दिया, हमारी पढ़ाई कैसे होगी वो सब बता दिया, ठीक है। अब आते हैं सर, अब किस पे आता है, अब आते हैं आईसीआई मॉड्यूल। सामने देखिए आईसीआई के जो मॉड्यूल है, स्टडी मॉड्यूल, आईसीएआई स्टडी मॉड्यूल, ये शीट मैं अभी आपको अभी के अभी दे देता हूं, ये लीजिए, टेलीग्राम पे तो डाल ही देता हूं और मैं ये वो ड्राइव में भी डाल दूंगा, ये आप आराम से बाद में अच्छे से देख लेना, अभी मैं आपको सिर्फ टेलीग्राम पे दे देता हूं। कहां गया, ये रहा, ये आईसीआई मॉड्यूल में उन्होंने कितने कितने क्वेश्चंस दिए हैं। मॉड्यूल 1 के अंदर पूरा उसी के हिसाब से सीक्वेंस है, रिमार्क्स, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सब कुछ डाल दिया मैंने इधर। ध्यान से अगर देखोगे कि पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंडियस, नया टॉपिक ही ऐड कर दिया, ये पहले इंट्रोडक्शन टू इंडियस नहीं हुआ करता था, फिर भी इंट्रोडक्शन टू इंडियस हम पढ़ाते थे। दूसरे चैप्टर में नो चेंज इन इलस्ट्रेशन एंड टीवाई के, टीवाई के मतलब टेस्ट योर नॉलेज, आप शायद इंटर के बेसिस पर अगर आपको पता हो टेस्ट योर नॉलेज, नो चेंज, दो क्वेश्चन ऐड किए हैं, एक डिलीट किया, एक क्वेश्चन ऐड किया, नो चेंज, वन एडेड, वन एग्जांपल, ऐसे ऐसे ऐसे, तो पूरी समरी मैंने यहां पर बनाई है, पूरी समरी कि ओल्ड सिलेबस से कंपैरेटिवली क्या क्या एड लेस हुआ है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में हर चैप्टर में कितने एग्जांपल्स हैं, और टोटल इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कितने एग्जांपल्स हैं, 402 एग्जांपल्स हैं पूरे मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। फिर इलस्ट्रेशंस, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में चैप्टर बाय चैप्टर कितने इलस्ट्रेशंस हैं, 8 इलस्ट्रेशन, 4 इलस्ट्रेशन, 16 इलस्ट्रेशन, 5 इलस्ट्रेशन, 12 इलस्ट्रेशंस, कितने इलस्ट्रेशंस हैं, ये सब।
अब आप जैसे देखोगे इंडिया 115 में देखो 75 इंडिया, ये 115 है, इंडिया 115 जिसको मैंने एक अलग सेपरेट कैटेगरी रखी थी, 75 इलस्ट्रेशन है, टेंशन में मत आओ, 75 में से कम 50% इलस्ट्रेशन छुटपुटी है, दो दो लाइन के ठीक है। फिर उसके बाद 46 इलस्ट्रेशन ऐसे ऐसे करके हैं, कुल मिला के कितने इलस्ट्रेशन है, 674 इलस्ट्रेशन है। फिर उसके बाद टीवाई के टेस्ट योर नॉलेज वाले क्वेश्चन, कितने कितने हैं, कहीं जीरो हैं, कहीं कुछ हैं, कहीं ज्यादा हैं, कहीं कम हैं, कहीं जीरो 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 टीवाई के है ही नहीं, कहीं जीरो जीरो जीरो, तो ये 272 क्वेश्चन हैं। फिर केस स्टडीज, सर केस स्टडी भी आती है, केस स्टडी एक ही चैप्टर में, केस स्टडी एक ही चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है सर कौन सा, एनालिसिस, बताया था मैंने तुम लोगों को, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सभी इंडेक्स पर मिलाकर वो तुम्हें एक पूरी केस स्टडी देगा क्लाइंट वाली, कि तुम्हें बैलेंस शीट को ठीक करना है, उस पर 7 केस स्टडीज हैं, ये 7 कुल मिला के कितना है सर, 1355, 1355 क्वेश्चंस हैं, बट अगर एग्जांपल्स हटा दे 400 तो टेक्निकली वो तुम्हारे 950 हो गया। तो एग्जांपल्स इसीलिए हटा रहा हूं क्योंकि एग्जांपल उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स नहीं है, उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल हार्डली 402 में से 10-12 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल एग्जांपल होंगे, बाकी सब थ्योरेटिकल छोटे छोटे छुटपुटी है जो हम अपनी कंसेप्ट बुक में से भी करेंगे। और इस 1355 के अलावा मेरे 300 एग्जांपल्स क्लास वाले, उसके अलावा आरएमपी आरटीपी आरटीपी एमटीपी पास एग्जाम पेपर के मिनिमम 600 क्वेश्चंस, जिसके क्यूआर कोड कम से कम 300 से 400 क्वेश्चंस के अवेलेबल हैं। 200 क्वेश्चंस के अवेलेबल नहीं होंगे, भाई बैठा है करवा लेगा, इसका मतलब क्या हुआ, हम लगभग सभी को मिला दें तो 2000 क्वेश्चंस तो हम करने वाले हैं, पर क्या 2000 क्वेश्चन क्लास में होंगे, अगर 2000 क्वेश्चन तुम मुझसे एक्सपेक्ट करोगे क्लास में तो 2 साल तक क्लास चलेगी। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस कि अगर मैं तुम्हारे पीछे मेहनत कर रहा हूं तो तुम्हें भी अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहां पर कौन कौन सा बच्चा है जो खुद प्रैक्टिस करने के लिए रेडी है, जल्दी बोलो हाँ या ना, और चैट में नहीं अपना ऑडियो यूज करो। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो आपको मेहनत करनी है, कुछ भी हो जाए आपको मेहनत करनी है, मैं आपके पीछे मेहनत करूंगा तो आपको भी मेहनत करनी है, सब कुछ करवाऊंगा जितना हो सकेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम करवाऊंगा, संडे टेस्ट सीरीज भी लेंगे, जूम पे डाउट सेशंस भी लेंगे। चलो तो ये शीट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको रेफर कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। अच्छा दूसरा ये हो गया अपना क्वेश्चंस के बारे में अपन सब हो गया है, मोटा मोटी यहां तक अपनी बातें हो चुकी हैं। चलिए अब आइए, बस बहुत हो गया सर, अब सर कुछ पढ़ा दो सर। यस, अब हम करेंगे कुछ पढ़ाई की बात है, क्योंकि जितनी बातें मुझे करनी थी और अगर कुछ करनी होगी तो मैं आगे चल के करूंगा। संडे टेस्ट सीरीज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, संडे टेस्ट सीरीज अपनी अपकमिंग 2 संडेज तक शायद ना रहे, क्योंकि कुछ हो तो सही, कुछ कॉन्टेंट तो अपन बनाए, तीसरे संडे से अपनी संडे टेस्ट सीरीज रहेगी। संडे टेस्ट सीरीज ऑप्शनल रहेगी, जिसको देनी है दे, जिसको नहीं देनी है दे, जो देगा वो फर्स्ट आएगा तो उसको एस टाइप की टी शर्ट्स मिलेंगी उसके एड्रेस पर। ऐसा हो गया फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है ना, प्राउड टू बी अ चार्टेड अकाउंटेंट, ऐसे 6-7 प्रकार की टी शर्ट्स हैं और मेरी तरफ से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे उनको संडे टेस्ट सीरीज में जो भी फर्स्ट आएगा। पिछली क्लास में तो मैं 501 रुपए का गूगल पे कर देता था भाई, सीधी सी बात है, 501 रुपए का गूगल पे कर दिया, बात खत्म। कभी कभार टी शर्ट नहीं होगी तो गूगल पे कर दूंगा 501 रुपए का, और कभी कभार टी शर्ट होगी तो मैं टी शर्ट भिजवा दूंगा। तो ऐसे कुछ कुछ रिवॉर्ड्स आपको मिलते रहेंगे ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो कि हाँ भाई टेस्ट दिया तो कुछ ना कुछ तो चलो मिल रहा है, ठीक है ना, किस चीजें हो रही है, तो इसी के बहाने कम से कम आप टेस्ट देते रहो, ठीक है। तो कुछ नहीं है, लालच है, आपको नलायक को लालच दिलवा रहा हूं कि कर लो, हाथ खींच के पकड़ना पड़ता है, आजा टेस्ट दे दे, पता है रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी पिछली क्लास में, तो टेस्ट दे दो बेटा, टेस्ट दे दो प्लीज, टेस्ट दे दो, कोई देता ही नहीं है। और बहाना क्या, आर्टिकलशिप, मतलब जैसे तो ऑफिस हमारा है, बॉस तो हम है, हमारे अंडर 4-6 लोग हैं, मतलब ऐसे, मतलब तुम लोग बहाने मारते हो, तो ये मत करना, ये तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत वाला सिस्टम हो जाएगा। चलिए अब ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं अपन। लिखिए अपनी किताब कॉपी में इंपॉर्टेंट टर्म्स। अभी तक का 1 घंटा हमने दिया क्लास के इंट्रोडक्शन पर, ठीक है। अरे भाई प्रे, इंट्रोडक्शन से याद आया, अरे माई सेल्फ सीए जय चावला, चार्टर्ड अकाउंटेंट, 2011 में क्वालिफाइड, ठीक है, और 2023 चल रहा है, ओके, 12 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पढ़ाने का, ठीक है, ये तो मैं बोलना ही भूल गया यार बताओ यार,
इतना एक्साइटेड था. माइसेल सीए जय चावला 2011 क्वालिफाइड, 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, 12 नहीं 13 साल का, सीए बनने से पहले एक साल से पढ़ाता था, 12 साल का 13 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, और अभी लास्ट अटेम्प्ट में अपना एआईआर 5 आया है सीए फाइनल के अंदर. ज्यादा नहीं बोलूंगा, बात खत्म. ठीक है, नहीं तो आधे लोग बोलेंगे देखो सर अपने बारे में बताएंगे. इंपॉर्टेंट टर्म्स पे आओ. अरे कुछ नहीं है, मेरे को मेरी बीवी ने रटवा के भेजा था कि जाओ तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना, बताना तुमने क्या क्या अचीव किया, ये किया है वो किया. मैंने ये मेरे से नहीं होता, ये मेरी तारीफ करना मेरे से नहीं होता है. चलो इंपॉर्टेंट टर्म्स, एफआर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उन पे बातचीत करेंगे अपन. आइए पहला टर्म लिखिए, ट्रांजिशन. केतन बोल रहा है सर आपकी तारीफ पर तो एक सेशन लगेगा. क्यों मक्खन लगा रहा है? पढ़ा दूंगा, सबको अच्छा पढ़ाऊंगा, अलग से मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है. चलो ट्रांजिशन में ध्यान सुनिएगा प्लीज. नाउ ट्रांजिशन मतलब ये वर्ड कब यूज होता है? जब एक कंपनी पुरानी अकाउंटिंग सिस्टम से नए अकाउंटिंग सिस्टम में जंप कर रही है. मतलब अगर कोई कंपनी पहले एएस फॉलो करती थी, क्या फॉलो करती थी? एएस. अब वो एएस से इंडेस पे आ रही है फर्स्ट टाइम, पहली बार. सर कोई कंपनी पहली बार इंडेस में कब आएगी? पढ़ाऊंगा, सब बताऊंगा, सब कुछ है अपने पास. तो ट्रांजिशन वर्ड ये, इसका मतलब ये होता है कि जब आप ओल्ड अकाउंटिंग सिस्टम से न्यू अकाउंटिंग सिस्टम में जंप करते हो उसको कहते हैं ट्रांजिशन. म्यूट कर दो, उसको कहते हैं ट्रांजिशन. तो अगर मैं बोलूं कि भाई पहले मैं ओल्ड अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करता था, तो ओल्ड अकाउंटिंग सिस्टम का नाम क्या था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. उसको थोड़ा सा और अच्छे से नाम बोलूं तो अकाउंटिंग कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006, आगे चल के अमेंडेड भी हुए वो. अब उस कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 से उठकर मैं आ जाऊंगा कंपनीज इंड एएस रूल्स 2015. हमारे सिलेबस में इंड एएस है, तो वो कंपनीज एक्ट के 2013 वाले एक्ट के कंपनीज इंड एएस रूल्स 2015 कवर होते हैं, 2015 से. तो ट्रांजिशन मतलब ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम में जंप करना, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन. ठीक है, फॉलोइंग न्यू अकाउंटिंग रूल्स मतलब इंड एएस फ्रॉम ओल्ड अकाउंटिंग रूल्स मतलब एएस, इसको कहते हैं ट्रांजिशन. इसके ऊपर, ट्रांजिशन के ऊपर हर इंड एएस का लास्ट पैराग्राफ ट्रांजिशन के ऊपर ही डेडिकेटेड होता है. जैसे कोई नया इंड एएस आया, फॉर एग्जाम्पल कोई नया इंड एएस आया. अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आगे चल के जिसका भी जो अटेम्प्ट है आगे चल के क्या अमेंडमेंट पॉसिबल है, तो एक नया इंड एएस आया, इंड एएस 117, अभी तक है ही नहीं पर आने वाला है. तो 117 आया. अब 117 किसके ऊपर आया? इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर आया, ठीक है ना. अब इंश्योरेंस कंपनीज अभी तक क्या फॉलो करती है? 104 फॉलो करती है, 104 भी इंश्योरेंस का है. तो जब 117 आएगा तो 104 डिलीट हो जाएगा, और इंश्योरेंस कंपनी IRDA के गाइडलाइंस भी फॉलो करते हैं. तो जो 117 आया, अब उसको तो फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करना पड़ेगा हमें, पहली बार फॉलो करना पड़ेगा हमें. तो 116 के सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद सबसे लास्ट पैराग्राफ उसका ट्रांजिशन का होगा, और वो ये बताएगा कि अगर कोई कंपनी पुराने इंड एएस से नए इंड एएस में आ रही है, पुराने एएस से नए एएस में आ रही है, ओल्ड अकाउंटिंग से न्यू अकाउंटिंग में आ रही है, तो उसको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेंगी, एट द सेम टाइम हम उनको क्या क्या एग्जम्पशन दे रहे हैं. कुछ दो मैं कुछ बातें आपको बता दूं. जैसे पीपी समझते हो क्या होता है? पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब पीपी होता है. अब पीपी के अंदर एक इंड एएस है, इंड एएस 16. मुझे कोई बताएगा पीपी का एएस कौन सा था इंटर में? कोई बताएगा आप में से? वेरी गुड. सो वही कंपनी है जो अभी तक एएस फॉलो करती थी, एएस 10. अब एएस 10 अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो सुन लेना. एएस 10 बोलता है कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल. मतलब आप अपनी असेट को या तो कॉस्ट मॉडल के अकॉर्डिंग चला सकते हो, कॉस्ट मॉडल का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया और डेप्रिशिएट करते जाओ, उसको रिवैल्यू कभी मत करो. और एक होता है रिवैल्यूएशन मॉडल. रिवैल्यूएशन मॉडल बोलता है कि आप समय समय पर बैलेंस शीट डेट पर अपनी असेट को फेयर वैल्यू कर सकते हो.
मतलब मार्केट वैल्यू पर दिखा सकते हो, रिवैल्यूएशन मॉडल होता है, ठीक है ना। एएसएन हमें अलाउ करता है। कोई कंपनी सपोज कॉस्ट मॉडल फॉलो करती थी, रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो नहीं करती थी। अब वो चलते 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 वो असेट को हो गए 20 साल, मतलब 20 साल पहले वो असेट खरीदी थी। अब वो कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि अब उसको इंडेक्स लगाना पड़ेगा। अब वो जब इंडेक्स में आ रही है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी जो बैलेंस शीट होगी वो तो एएस वाली बैलेंस शीट होगी। इसके अंदर जितने भी पीपी होंगे वो तो एएस के अकॉर्डिंग दिख रहे होंगे, ठीक है ना। मैंने सिंप्लीफाइड करने के लिए टी शेप बनाया है, तो एएसपीपी के अकॉर्डिंग होंगे। तो बेसिकली इस बैलेंस शीट को मुझे कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन टू इंड एएस 16, और ये कौन सा एएस था, एएस 10। तो इस बैलेंस शीट में जितने भी आइटम है जिसमें पीपी एएस 10 है उसको मुझे कन्वर्ट करना है इंड एएस 16 में, तो वहां पर मुझे ये ट्रांजिशन प्रोविजंस की याद आएगी। फिर मैं जाऊंगा इंड एएस 16 के अंदर और उसका ट्रांजिशन प्रोविजन वाला पैराग्राफ ढूंढूंगा और देखूंगा कि मुझे इंड एएस 16 ने कोई एग्जम्पशन किया है क्या, क्योंकि असेट तो 20 साल पुरानी है। अब इंड एएस 16 पता है क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर तुम इंड एएस को पहली दफा फॉलो कर रहे हो, पहली बार फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हारे जितने भी पीपी हैं उनको रिट्रोस्पेक्टिवली इंड एएस के अकॉर्डिंग फॉलो करो, रिट्रोस्पेक्टिवली। अब हम बोलेंगे भाई पागल हो गया है क्या, रिट्रोस्पेक्टिवली पीपी खरीदा था 20 साल पहले, उसको मैं मतलब 20 साल से पूरा क्यूमुलेटिव वर्किंग करूंगा भाई, नहीं नहीं नहीं, राम राम नहीं कर पाऊंगा। पर उसके ट्रांजिशन प्रोविजन में लिखा हुआ है कि अगर पॉसिबल हो सके तो रिट्रोस्पेक्टिव चलो। और दूसरा ऑप्शन दिया है, एक एग्जम्पशन दिया है कि अगर आप पॉसिबल नहीं है तो फिर एक काम करो, जो भी पीपी का यहां पर आपका बुक वैल्यू है, WDV है, उसी को तुम इंड एएस में डीम्ड कॉस्ट मान लो, उसी को तुम उसकी डीम्ड कॉस्ट मान लो। मतलब जब तुम उस पीपी को यहां पर लेके आए तो इट इज कॉल्ड एज डीम्ड कॉस्ट। मतलब मान लो कि तुमने फर्स्ट टाइम खरीदी और इतने में खरीदी। सर हर कोई तो यही फॉलो करेगा, हाँ, पर इंड एएस ने अपने ट्रांजिशन प्रोविजन बता दिए। तो मैं आपको ये वर्ड क्यों पढ़ा रहा हूं, हर इंड एएस के आखिरी पैराग्राफ में ट्रांजिशन प्रोविजन बताया जाता है कि जब ये इंड एएस पहली बार फॉलो किया जाएगा तो क्या क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट्स आपको करनी है, क्या क्या एग्जम्पशंस आपको दिए गए हैं क्योंकि आप पहली बार फॉलो कर रहे हो, तो तब हमें ये ट्रांजिशन प्रोविजन काम आते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक सेपरेट इंडेक्स इंडेक्स है, इंडेक्स 101, वो इंडेक्स बेसिकली जो 101 है उसका नाम ही है फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडेक्स। जब भी कोई कंपनी पहली बार इंडेक्स अडॉप्ट करेगी तो वो ट्रांजिशन प्रोविजन 101 के भी फॉलो करेगी। वो 101 जो है ना, वो 101 ने बहुत सारे एग्जम्पशंस दे रखे हैं कि हाँ तुम पहली बार आ रहे हो, मैं बताता हूं तुम्हें क्या करना है, तो तब आपको ये वर्ड ट्रांजिशन का काम आएगा। आया समझ में मतलब सबको, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, एनीबॉडी कोई डाउट हो तो पूछ लो। ऑलराइट, ये लिख लिया आपने ट्रांजिशन। सेकेंड वर्ड अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम, OCI। किसी बच्चे ने यह नाम सुना है क्या? No, केतन बोल रहा है यस, ऑल राइट, और बाकी नो, ठीक है। अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम OCI, ये एक नया कॉन्सेप्ट है इंडेस में। एएस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेट मी डिस्कस दिस अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम वाला पार्ट बहुत अच्छे से, ध्यान से सुनना। अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम डिस्कस करने के लिए एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल लिखेगा मेरे साथ साथ, एग्जाम्पल पीपी WDV को बेटा CA बोलते हैं, कैरिंग अमाउंट, WDV को कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। पीपी WDV 1 लाख सोल्ड एट 120, बेटा क्या एंट्री पास करोगे? थोड़ा फास्ट, क्या एंट्री पास करोगे? कैश अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू पीपी अकाउंट।
to profit on sale of asset. Very good. 120 to PPE 1 lakh. 2 क्या बोला भाई? To profit on sale of PPE. नीरज ने बोला to profit मतलब to gain 20. अच्छा जी, बाकी सभी लोग बताएंगे, जल्दी मुझे बताओ ये गेन को मैं कहां डालूं, ये गेन कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस. वेरी गुड. लॉस अदर इनकम सर. वेरी गुड. ट्रांसफर टू P&L अकाउंट अदर इनकम. बहुत सही, बहुत सही. ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. गेन हुआ P&L में डाल दो, बात खत्म. ठीक है सर, डाल दिया. चलो P&L अकाउंट, ये स्टेटमेंट आया. P&L अकाउंट के अंदर आता है रेवेन्यू, तो यहां आता है एक अदर इनकम. अदर इनकम में ये गेन दिखेगा 20,000, एम आई राइट? जैसे ये अदर इनकम में गेन दिखेगा तो उसके कारण आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो नेट प्रॉफिट 20,000 से बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ दिस गेन. बिकॉज ऑफ दिस गेन आपका नेट प्रॉफिट 20,000 से बढ़ जाएगा, एम आई राइट? यस सर. यस सर. अब मुझे जवाब दीजिए, ये नेट प्रॉफिट कहां जाएगा? टेल मी, इस नेट प्रॉफिट को तुम कहां डालोगे? क्या? रिजर्व एंड सरप्लस. वेरी गुड. बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस. अब आज के बाद, क्योंकि तुम फाइनल के बच्चे हो, आज के बाद तुम वर्ड रिजर्व एंड सरप्लस नहीं बोलोगे. अब ये इंड एस में वर्ड रिजर्व एंड सरप्लस की जगह, रिजर्व एंड सरप्लस वर्ड है पर उसका भी मेन हेडिंग आ गया अदर इक्विटी. क्या नाम आ गया? अदर इक्विटी. मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं इंड एस के अकॉर्डिंग, तो यहां आता है शेयर कैपिटल, और ठीक है, और दूसरा आता है आपका अदर इक्विटी. यहां ये वर्ड आता है अदर इक्विटी. अदर इक्विटी के अंदर कई सारे रिजर्व आते हैं, जनरल रिजर्व, P&L, उसके बाद आपका CRR, DRR, कैपिटल रिजर्व वगैरह वगैरह, तो उसका नाम है अदर इक्विटी. अदर इक्विटी नाम है. तो बच्चे वापस से बताओ ये नेट प्रॉफिट कहां जाएगा? अदर इक्विटी. वेरी गुड. तो ये नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख देते हैं ट्रांसफर टू अदर इक्विटी. ट्रांसफर टू सर अदर इक्विटी एक बार दिखा सकते हो? अरे जरूरी है भैया, अदर इक्विटी नहीं दिखाया तो मजा नहीं आएगा, ऐसे थोड़ा सा इमेजिनेशन जरूरी है. तो सर अदर इक्विटी दिखाओ सर. चलो अदर इक्विटी को ना मैं आपको अपने कॉन्सेप्ट बुक से पहले दिखा देता हूं, फिर मॉड्यूल से भी दिखा दूंगा, डोंट वरी. अदर इक्विटी सर कहां है ये देखो. देखो क्या होता है, जब अपनी बैलेंस शीट बनती है ना, तो ये देखिए ये इस तरीके से आता है, इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी. ठीक है ना, ये होता है अदर इक्विटी. फिर सर अदर इक्विटी का जो वो होता है उसका बताइए, अदर इक्विटी का क्या आता है ये देखो. ये अदर इक्विटी का पूरा फॉर्मेट है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग. अदर इक्विटी में सर क्या क्या आता है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट अदर इक्विटी में आता है. इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये नहीं समझेगा अभी इतना जल्दी, बस मान लो. रिजर्व एंड सरप्लस, मैंने बोला ना रिजर्व एंड सरप्लस का भी मेन हेडिंग आ गया अदर इक्विटी. तो रिजर्व एंड सरप्लस इज शोन अंडर अदर इक्विटी. उसके अंदर CR मतलब कैपिटल रिजर्व, SP सिक्योरिटी प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, अदर सेपरेटली, ये सब आते हैं इसके अंदर. फिर उसके बाद बहुत सारे अदर आइटम आते हैं. ये देखो OCI वर्ड दिख रहा है, OCI, जिसका मैं मीनिंग अभी समझाने वाला हूं तुम लोगों को. ठीक है, एक्सचेंज डिफरेंस, तुमने ये इंटर में पढ़ा होगा एक्सचेंज डिफरेंस, AS11 के अंदर आई थिंक पढ़ा होगा. FCTR करके वर्ड सुना होगा कभी AS11 के अंदर? किसने सुना है FCTR? फुल फॉर्म करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व. वेरी गुड, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व. रिवैल्यूएशन सरप्लस, याद करो रिवैल्यूएशन, AS10 रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये सब. मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल. तो बेसिकली ये जो फॉर्मेट है ना, इसको अदर इक्विटी कहते हैं. तो इंड एस कहता है कि भाई बैलेंस शीट में ना कचरा मत करो, बैलेंस शीट में कीचड़ मत बनाओ, भीड़भाड़ मत करो, बस दो ही आइटम लिखो, एक कैपिटल है और कैपिटल के अलावा है. जो कैपिटल के अलावा है उसको सबको इकट्ठा एक ही स्टेटमेंट में डालो, तो वो हो गया अदर इक्विटी. तो ये नेट प्रॉफिट कहां जाएगा? अदर इक्विटी. सर अदर इक्विटी में कहां जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग. अदर इक्विटी में कहां जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग में. अरे मेरी बात समझ में आएगी नहीं? Yes, sir. चलो सर, आप तो OCI समझा रहे थे, आप हमें ये यहां पर कहां लेके आए? अब सुनना ध्यान से, तुमने असेट बेची तो तुम्हें गेन हुआ तो तुमने उसको P&L में डाला. मुझे एक बात का जवाब दो, इस गेन को मैं क्या बोलूं, रियलाइज्ड गेन कि अनरियलाइज्ड गेन? रियलाइज्ड प्रॉफिट कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट? रियलाइज्ड. रियलाइज्ड सर क्यों? जवाब क्यों?
सेल हो गया, कैश में रिलीज सर क्यों, वेरी गुड, कैश में रियलाइज हो गया, कैश में रियलाइज, पैसा मिल गया सर, बात खत्म, रियलाइज्ड, सही बात है, पैसा मिल गया, कैश में रियलाइज हो गया, दैट्स इट, इसलिए रियलाइज प्रॉफिट। और अगर वो रियलाइज प्रॉफिट है तो इंड एएस कहता है कि जितने भी आपके दुनिया भर के रियलाइज्ड गेन होते हैं, पर अब सुनना पिक्चर आती है अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम की। इंड एएस कहता है कि रियलाइज्ड प्रॉफिट्स जो हैं उनको तो आप पीएनएल में दिखाओ, पर जो जितने भी अनरियलाइज्ड नेचर के गेन्स हैं, जितने भी अनरियलाइज्ड नेचर के गेन्स हैं, एग्जांपल पे आऊंगा, उनको आप पीएनएल में मत डालो, उनको आप फिलहाल पीएनएल में मत डालो। सर कहां डालें? पीएनएल का ही एक एक भाई बना दिया, एक पीएनएल बड़ा भाई और एक छोटा भाई, पीएनएल का ही एक और भाई बना दिया। उन्होंने बोला पीएनएल जैसा ही एक स्टेटमेंट बनाओ जिसका नाम होगा ओसीआई। जैसे पीएनएल होता है तो पीएनएल में क्या आता है, इनकम्स और एक्सपेंसेस, वैसे ही ओसीआई एक पीएनएल का छोटा भाई हो गया। और ओसीआई पीएनएल की तरह है, पर फर्क इतना है कि ओसीआई के अंदर अनरियलाइज्ड टाइप के गेन्स एंड लॉसेस जाएंगे, अनरियलाइज्ड टाइप के। कैसे? अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा ये पीपीई को 1 लाख की सेल ना करके रीवैल्यू किया, अब बोलो क्या एंट्री होगी, क्या ये कैश अकाउंट वाली एंट्री होगी कि रीवैल्यूएशन की कोई दूसरी एंट्री होगी, बोलो। रीवैल्यूएशन की होगी। तो रीवैल्यूएशन की एंट्री मुझे बता सकते हो क्या होगी रीवैल्यूएशन की? सर पीपी अकाउंट डेबिट मतलब जो भी असेट है 20,000 टू रिवैल्यूएशन हिसाब से। सर गेन तो यहां भी हुआ पर इसको हम बोलेंगे टू रीवैल्यूएशन गेन। कौन सा गेन? रीवैल्यूएशन गेन या रीवैल्यूएशन सरप्लस इसको बोलेंगे। अब सर ये भी गेन हुआ, सर इसको कहां डालेंगे? इसको मैं पीएनएल में नहीं डाल सकता। सर क्या नया बताया आपने, ये तो हमें एएसटेन में पता था, एएसटेन भी हमें बोलता है कि पीएनएल में नहीं डाल सकते, एएसटेन बोलता है आप उसको क्या बोलते हो रिवॉल्यूशन रिजर्व में लेके जाते हैं। हां भाई सुन, अब ध्यान से सुनना, अभी तक क्या होता था, एएस कहता था कि जो भी तेरे को रिवॉल्यूशन गेन आया तू रिवॉल्यूशन रिजर्व में डाल, और रिजर्व में डाल के तू उसको रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा दे। इंड एएस ने उसका एक सही रास्ता बना दिया। इंड एएस ने बोला कि रुक, जाएगा तो वो अल्टीमेटली तेरे अदर इक्विटी में, इधर इन शॉर्ट रिजर्व एंड सरप्लस में। बट जैसे ये वाला गेन 20,000 पहले तुमने पीएनएल में डाला, फिर वो नेट प्रॉफिट आया, फिर नेट प्रॉफिट को तुमने अदर इक्विटी में डाला, वैसे ही अब ये वाला गेन भी पहले कहीं स्टेटमेंट में डाल, फिर उस स्टेटमेंट में सिर्फ वो तो नहीं आएगा, पूरे साल भर में ऐसे कई सारी चीजें होंगी, उन सबका टोटल कर और उस टोटल को अदर इक्विटी में ले जा। मतलब अभी तक एएस में हम ये पढ़ते थे कि रिवॉल्यूशन सरप्लस डायरेक्टली उठा के फेंक दो बैलेंस शीट में, अब इंडेस बोलता है नहीं यार फेंको मत, जितने भी तुम्हें अनरियलाइज टाइप के गेन और लॉसेस हो रहे हैं उसको एक स्टेटमेंट में कंबाइन दिखाओ, ताकि यूजर्स को समझ में आए, कि हां ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के ऐसे कौन कौन से गेन्स हैं जो अनरियलाइज नेचर के, उनकी पूरी समरी बनाओ, और समरी बना के यहां पर लिख रीवैल्यूएशन गेन, फलाना गेन, डिमका लॉस, व्हाटएवर जो भी है उनका टोटल कर, और ये टोटल इसके ऊपर, टोटल के अलावा, टोटल इसके ऊपर टैक्सेशन के कितने इंपैक्ट हैं वो बता, इनकम टैक्स के क्या इंपैक्ट हैं उस पे, कोई डेफर्ड टैक्सेस तो नहीं बनेंगे, डीटीए डीटीएल तो नहीं बनेंगे। अच्छा वन सेकंड, मैं यहां पर दो मिनट पॉज ले रहा हूं, कितने बच्चे हैं जिनको डीटीए डीटीएल शब्द पता है बिकॉज ऑफ AS 22, कितने बच्चे हैं, या कितने बच्चे नहीं ऐसे हैं जिनको नहीं पता, चलो उल्टा चलता हूं, उल्टा डीटीए डीटीएल के बारे में घंटा कुछ भी नहीं पता, जीरो, एनीबडी डीटीए डीटीएल AS 22 सीए इंटरमीडिएट, एनीबडी बिल्कुल ओपन बोल दो बेटा, ताकि मैं अपना खुल के फिर मैं उस पर बात करूं, क्योंकि मैं जैसे ही बोलूंगा डीटीए डीटीएल तो ये क्या बोल दिया सर ने, ये क्या बोल दिया, मैं आऊंगा, मैं डीटीए डीटीएल के कंसेप्ट पे आऊंगा। हाँ कोई बोला क्या? ठीक है डीटीए डीटीएल के कंसेप्ट जो होते हैं वो इनकम टैक्स के कारण निकाले जाते हैं, हमारे पास उसका इंड एएस 12 करके है, हम उसको पढ़ेंगे। पर अगर जब डीटीए डीटीएल की बात करते हैं तो डीटीए डीटीएल क्यों निकलता है, इनकम टैक्स के प्रोविजन अलग होते हैं, तो इनकम टैक्स की ट्रीटमेंट्स अलग होती हैं कई बार,
और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन डेएस की अलग होती है, एएस की अलग होती है। कहीं कहीं एएस बोलता है अक्रूवल सिस्टम फॉलो करो और इनकम टैक्स बोलता है कैश सिस्टम फॉलो करो। उस वजह से होता क्या है कि मैंने अक्रूवल सिस्टम फॉलो किया तो मैंने उसको इनकम बुक कर लिया, पर वो मेरे को इनकम अभी तक मिली नहीं है, तो इनकम टैक्स बोलता है मैं टैक्स ही नहीं लगाऊंगा, मैं टैक्स लगाऊंगा ही नहीं, तेरे को अभी तक कैश आया ही नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होते हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एएस और इनडीएस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होते हैं। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग तो मैंने इनकम दिखा दी तो उस पर टैक्स लगना चाहिए, पर इनकम टैक्स मुझसे टैक्स ले नहीं रहा, तो ले नहीं रहा तो इसका मतलब क्या कभी नहीं लेगा? नहीं नहीं, लेगा, अगले साल लेगा, क्योंकि मुझे इनकम अगले साल मिलेगी। उस वजह से टैक्सेस के जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, मतलब जो टैक्स आना चाहिए था करंट ईयर में क्योंकि अक्रूअल इनकम हो गई है पर टैक्स नहीं आया, वो आएगा अगले साल में। तो जो टैक्स आना चाहिए था और टैक्स क्या आया, उन दोनों के डिफरेंसेस को बोलते हैं डेफर्ड टैक्सेस। डेफर्ड टैक्सेस, डेफर्ड मतलब डिफरेंसेस। तो बेसिकली ओसीआई में ऐसी सारी इनकम्स और एक्सपेंसेस आएंगी जो कि या तो अनरियलाइज नेचर की है या तो किसी इनडीएस के द्वारा बोली गई है कि भाई उसको ओसीआई में डालो, उसको पीएनएल में मत डालो। मैंडेटरी बेसिस पर इनडीएस ने बोल दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये वाली इनकम पीएनएल में नहीं जाएगी, ये वाली ओसीआई में जाएगी। तो वो सारी प्रकार की इनकम्स एक साथ इकट्ठी दिखेगी ताकि लोगों को पता चले कि ड्यूरिंग द ईयर ऐसे कौन कौन से आइटम्स थे और उनके क्या टैक्स इंपैक्ट थे, तो वो आ जाएगा। और उसके बाद उसका नेट जो रहेगा, जैसे अब मुझे तुम जवाब देने वाले हो, जैसे तुमने नेट प्रॉफिट को अदर इक्विटी में ट्रांसफर किया रिटेन्ड अर्निंग के अंदर, तो यहां का भी एक नेट ओसीआई निकलेगा, नेट ओसीआई। समझा कि नहीं? और बताओ तुम मुझे जवाब देने वाले हो, जैसे नेट प्रॉफिट को तुमने ट्रांसफर किया, इसका क्या करोगे? बोलो, इसका क्या करोगे? अदर इक्विटी। ये भी कहां जाएगा? अदर इक्विटी में। कहां जाएगा बेटा? अदर इक्विटी में। अब अपन वापस अदर इक्विटी पे आते हैं, वापस अदर इक्विटी पे आते हैं। ध्यान से देखना, जो नेट प्रॉफिट था वो कहां गया होगा? वो सर वो कहां गया होगा? इधर, ये रिटेन्ड अर्निंग, एम आई राइट? Yes, पर जो मैंने तुम्हें ओसीआई वाले आइटम पढ़ा है उसमें तो चार चार पांच पांच छह छह अलग अलग आइटम आ सकते हैं। एक रिवॉल्यूशन है बिकॉज ऑफ इंड एस 16, एएस 10 था, यहां पर इंडिया 16 होता है। एक कोई दूसरा गेन है, वो दूसरे इंड एस के अकॉर्डिंग है। मान लो ये है बिकॉज ऑफ इंड एस 109। कोई लॉस है मान लो बिकॉज ऑफ इंड एस 19। अलग अलग इंड, हमने यहां तो उसको समराइज कर दिया, यहां तो मैंने उसको समराइज कर दिया जिसका नेट ओसीआई आ गया। अब जब वो यहां जाएगा तो वो यहां उठ उठ के रिस्पेक्टिव कॉलम में जाएगा कि भाई वो इंडेस 109 वाला ओसीआई है क्या, या फिर 109 वाला ये तो दूसरा नाम है क्या, 16 वाला है क्या रिवॉल्यूशन रिजर्व, इंडेस 21 वाला ओसीआई है क्या, इंडेस 19 वाला ओसीआई है क्या। सबको फिर यहां पर बायफर्केट किया जाएगा, यहां पर अदर इक्विटी में सबको बायफर्केट किया जाएगा। बट उसकी समरी बनाने के लिए हमने एक सेपरेट स्टेटमेंट बना लिया, हमने एक सेपरेट स्टेटमेंट बना लिया। पहले हो सकता है एएस के अंदर कुछ आइटम, मैं सबका नहीं बोल रहा हूं, जैसे रिवॉल्यूशन गेन तो पहले भी नहीं आता था, पर कुछ आइटम पीएनएल के अंदर आया करते थे। इंड एएस ने पीएनएल का एक छोटा भाई बना लिया कि भाई तू पीएनएल, तेरा छोटा भाई ओसीआई, तेरे ओसीआई में ना लिमिटेड आइटम जाएंगे और वो जनरली अनरियलाइज नेचर के होंगे, और वो इंड एएस कहेगा कि हाँ उसको ओसीआई में डालो तो हम उसको ओसीआई में डालेंगे। तो यहां लोगों को एक समरी दिख जाएगी कि हाँ भैया ओसीआई ऐसा होता है, ओसीआई के अंदर ये सब चीजें आती हैं, और उसकी समरी से सब लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा ड्यूरिंग द ईयर ऐसे कौन से आइटम थे जो कि अनरियलाइज नेचर के थे, और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट ये नोट नेट ओसीआई जो होगा वो अदर इक्विटी में जाएगा, और अदर इक्विटी में भी जाके फैल जाएगा कि वो किस कॉलम में, वही वो फैल जाएगा, मतलब उसका इंपैक्ट ऐसे जाके फैल जाएगा। कुछ आया समझ में? टेल मी सर, सबसे अलग अलग निकालना पड़ेगा क्या? नहीं सुनो, इन सबका नेट का टैक्स इंपैक्ट एक ही निकलेगा, और जो वो टैक्स इंपैक्ट निकलेगा वो टैक्सेशन वाले कॉलम में जाएगा, और ये वाले जो होंगे ये वाले ग्रॉस बेसिस पे जाएंगे। मतलब मैं समझ गया तुम्हारा डाउट कि सर जब यहां पर ये लोग जाएंगे तो ये आफ्टर टैक्स जाएंगे कि बिफोर टैक्स? ये जाएंगे बिफोर टैक्स, और इनका टैक्स इंपैक्ट का एक ही सिंगल अमाउंट होगा जो बैलेंस शीट में सेपरेट हेड में दिखेगा, ऐसे होगा। समझ में आया? क्लियर? अब सर आपने बोला अनरियलाइज्ड गेन्स और लॉसेस जाएंगे, तो सर सारे अनरियलाइज्ड गेन? नहीं, सिर्फ वही अनरियलाइज्ड गेन्स एंड लॉसेस जिसको किसी इंड एएस ने कहा है कि उसको ओसीआई में डालो। कई बार ऐसे भी अनरियलाइज्ड गेन्स और लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे जो आप पीएनएल में ही डालोगे,
बिकॉज ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट. तो ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के जितने भी अनरियलाइज टाइप के गेन्स और लॉसेज हैं वो सारे के सारे ओसीआई में डाल दो. तो फिर ऐसे कब मालूम पड़ेगा कि कौन सा डालना है कौन सा नहीं, वो आपको इंडिया बताएगा. कॉमन सेंस क्या है, सिंपल कॉमन सेंस है. सुनो, मैंने आज रिलायंस का शेयर खरीदा और मेरा इंटेंशन है कि मैं उसको महीने दो महीने में बेचने वाला हूं, मतलब शॉर्ट टर्म, महीने दो महीने में बेचने वाला हूं, मतलब छह आठ महीने साल भर में बेचने वाला हूं शॉर्ट टर्म. तो इंडेस कहता है कि बेचने से पहले अगर कोई बैलेंस शीट डेट पर तू उसको मार्केट वैल्यू पे ला रहा है तो उसका तू प्रॉफिट डायरेक्टली पीएनएल में डाल सकता है, क्योंकि वैसे भी तू उसको बेचने वाला है, मतलब वो अपकमिंग कुछ टाइम में वो वैसे भी रियलाइज होने वाला है, तो तू उसको पीएनएल में डाल सकता है, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी. पर ऐसा कोई आइटम जिसको मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा और मेरा बेचने का कोई इंटेंशन नहीं है, मैं कभी नहीं बेचूंगा उसको, मतलब लॉन्ग टर्म पर्पस, और मैं अपनी बुक्स में उसको मार्केट वैल्यू पे दिखाना चाहता हूं, अब जब मार्केट वैल्यू पे दिखाऊंगा तो मुझे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स होंगे. तो इंडेक्स कहता है कि भाई हमारा रिकमेंडेशन है कि तू उसको पीएनएल में मत डाल, क्योंकि तेरा बेचने का इंटेंशन नहीं है. जब तेरा बेचने का इंटेंशन नहीं तो तू शेयर होल्डर्स को क्यों गुमराह कर रहा है, तू शेयर होल्डर को क्यों दिखा रहा है कि भाई प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट हो गया. वो होता है ना अक्षय कुमार, दीदी डर गई दीदी डर गई दीदी डर गई, वैसे ही प्रॉफिट हो गया. ये क्या कर रहे हो यार तुम, जब प्रॉफिट को तुम्हें बांटना ही नहीं है, अभी तुम्हें ही प्रॉफिट रिलाइज नहीं हुआ है और पता नहीं कब रिलाइज होगा तुम्हें ही नहीं पता, तो तुम क्यों उसको पीएनएल में दिखा रहे हो. तो हमारा रिकमेंडेशन है तुम उसको ओसीआई के अंदर दिखा दो, शेयर होल्डर्स को समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये प्रॉफिट है पर अभी वो रियलाइज हुआ नहीं है, हम उसको डिविडेंड के रूप में डिमांड नहीं कर सकते. तो इसीलिए सारे प्रकार के अनरियलाइज गेन ओसीआई में जाएंगे क्या, नहीं, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जो कि इंडेस रिक्वायर करेगा. अंडरस्टूड और नॉट? यस सर. सर जो फिर वो फॉर्मेट है वो सारे इंडेस कवर करता है ना? हाँ 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 बिल्कुल. सी दिस फॉर्मेट, सी दिस, पूरा नाम आएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. फिर प्रॉफिट एंड लॉस आपका शुरू हो गया बड़ा भाई, ये बड़ा भाई चल रहा है, रेवेन्यू अदर इनकम एक्सपेंसेस परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड ऑल दीज एक्सपेंसेस टोटल एक्सपेंसेस प्रॉफिट्स बिफोर टैक्सेस टैक्सेस प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस. अभी भी आपका बड़ा भाई चल रहा है, बड़ा भाई चल रहा है, प्रॉफिट लॉस फ्रॉम डिस्कंटिन्यूड ऑपरेशंस टैक्सेस उसके प्रॉफिट लॉसेस टोटल प्रॉफिट लॉस, दैट्स इट, बड़ा भाई खत्म. छोटा भाई शुरू, छोटे भाई को पढ़ो क्या लिखा है. अदर कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब छोटा भाई का स्टेटमेंट अलग से नहीं बनेगा, छोटे भाई का स्टेटमेंट बड़े भाई के कंटिन्यूशन में बनेगा. अब पढ़ो अदर कॉम्प्रिहेंसिव. अब कोई भी एक बच्चा पढ़ेगा, चलो नीरज पढ़ो पहला पॉइंट क्या लिखा है. इनकम items that will not be reclassified to profit or loss. Or next. Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or मतलब loss. आपने यहाँ पर gains and losses लिखे और उसका tax impact लिखा, income tax. फिर मोहिशा. Second point. Items that will be reclassified to profit and loss. Income tax relating to items that will be reclassified to profit and loss. हमने क्या किया, ये other comprehensive को P&L के continuation में बना दिया और उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. दो कैटेगरी कौन सी, एनआरपीएल आरपीएल. एनआरपीएल नॉट रीक्लासिफाइड टू पीएनएल, आरपीएल रीक्लासिफाइड टू पीएल. सर ये क्या होता है, ऐसे आइटम्स जो फिलहाल आपने अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम में डाल दिए, कभी ना कभी, कभी ना कभी रियलाइज हो सकते हैं, ये श्योर है, और वो आपके यहां से उठ के मेन पीएनएल में जाएंगे, मेन पीएनएल में जाएंगे. और दूसरा ये हो गए आरपीएल जो मेन पीएनएल में जाएंगे, और दूसरा एनआरपीएल ऐसे आइटम जो एक बार अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आ गए पर वो उठ के कभी भी मेन पीएनएल में नहीं जाएंगे, वो हमेशा आपकी अदर इक्विटी में दिखते रहेंगे, अदर इक्विटी के सेपरेट कॉलम में दिखते रहेंगे. कुछ आया समझ में, कुछ आया समझ में? तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इंडेस के अकॉर्डिंग है, जैसे अभी मैंने बोला रिवॉल्यूशन, इसका एग्जाम्पल सुनो, ध्यान से देखना यहां मैं इस एग्जाम्पल को वापस रिपीट कर रहा हूं, मुझे बताना, 1,00,000 की पीपीई कैरिंग अमाउंट तुमने रिवैल्यू की 120 पर, तो तुमने मुझे एंट्री बताई थी पीपीई अकाउंट डेबिट 20,000 टू रीवैल्यूएशन गेन, और मैंने ब्रैकेट में कर दिया ओसीआई, मैं उसको ओसीआई के स्टेटमेंट में ले जाऊंगा ये 20,000. बेटा क्लियर हुआ?
अब आफ्टर आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टाइम अबव पीपीई सोल्ड सोल्ड अबव पीपीई सोल्ड एट आपने पीपीई को बेच दिया सोल्ड एट 125 आपने पीपीई को बेच दिया 125 में मुझे बताओ बुक वैल्यू कितनी दिख रही है आपको आफ्टर सम टाइम लिखा है मैंने बुक वैल्यू कितनी दिख रही है 120 वेरी गुड 120 होगी ना बेटा 1 लाख से आपने 20,000 तो इंक्रीज कर दिया तो आप मुझे एंट्री बोलो काउंट डेबिट 125 टू पीपीई बोलो बोलो 120 और बोलो गेन बोलो गेन 5,000 ये जो गेन है ये तो डायरेक्ट पीएनएल में जाएगा ये तो डायरेक्ट पीएनएल में जाएगा ये तो रियलाइज्ड है समझे क्या तो ये गेन आरपीएल होगा मतलब रुको नहीं नहीं रुको रुको अभी रुको अभी रुको ये गेन तो पीएनएल में चला गया क्लियर है कि नहीं बोलो हाँ तुमने तो सिर्फ 5 का दिखाया हाँ वो जो 20 का गेन था ना उसको हाइड करके रखा था छुपा के रखा था किसके अंदर ओसीआई के अंदर ओसीआई के अंदर छुपा के रखा था तो एक्चुअल में इंड एएस कहता है नाउसी इंड एएस 16 कहता है कि अब जो तुमने गेन 20,000 का तुमने ओसीआई के अंदर छुपा के रखा था ना 20,000 का जो गेन था वो छुपा के रखा था ना एक काम करो उसको पीएनएल में मत ले जाओ उसको डायरेक्टली तुमने अभी तक ना उसको ओसीआई छुपा के रख रहे थे अब वो तुम्हारा डायरेक्टली क्या बन गया डायरेक्टली वो तुम्हारा फ्री रिजर्व बन गया मतलब अब तुम उसको जनरल रिजर्व में लेके जाओ अब तुम जनरल रिजर्व में लेके जाओ मतलब अब एंट्री करो रीवैल्यूएशन गेन ओसीआई डेबिट टू जनरल रिजर्व 20,000 प्लीज अभी कुछ मत बोलना चुप रहना पहले मुझे पूरा कंप्लीट करने दो अब हुआ क्या अब इमेजिन करो तुम्हारा शेड्यूल 3 दिख रहा है तुम्हें शेड्यूल 3 का अदर इक्विटी दिख रहा है कहां गया अदर इक्विटी ये लो मैं इसके थोड़े से मिटा दूं अभी तक क्या हुआ था तुमने जब आइटम को रीवैल्यू किया था रीवैल्यू कितना किया था 20,000 रुपए याद है तुमने रीवैल्यू किया था 20,000 रुपए तो वो तुम्हारा आइटम यहां दिख रहा था ये वाले हेडिंग में ये वाले में दिख रहा था और ये वाले में कैसे दिख रहा था देखो यहां पर टोटल यहां पर दिख रहा था ये 20,000 यहां दिख रहा था 20,000 अब इंडेस कहता है कि एक काम करो तुम इसको 20,000 को पीएनएल में मत डालो तुम इसको डायरेक्टली जर्नलिज्म में डालो क्योंकि अब तुम्हारे ये 20,000 रुपए रियलाइज हो गए तो तुम इसको रीक्लासीफाई करके पीएनएल में मत डालो ये तुम्हारा जो आइटम है ये एनआरपीएल है नॉट टू बी रीक्लासीफाइड टू पीएनएल इसको डायरेक्टली जनरल रिजर्व में लेके जाओ अब पढ़ो ध्यान से सर ये तुम्हारा 20 था अब ध्यान से पढ़ो इसको देखो ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग मतलब अब तुम एक काम करो यहां से तुम 20,000 रुपए ये हटा दो नेगेटिव कर दो और ये जो रिटेन्ड अर्निंग है ये वाला कॉलम यहां तुम डायरेक्टली उसको 20,000 लेके आओ मतलब जो चीज तुम्हारी पहले 20,000 पिछले साल तक लास्ट ईयर तक इस कॉलम के अंदर दिखती थी तो शेयर होल्डर को समझ में आता था कि अच्छा मतलब ये रियलाइज नहीं हुआ अब तुमने एसेट बेच दिए तो तुम उसको बेवजह पीएनएल में मत ले जाओ सर पीएनएल में क्यों नहीं ले जाएं अरे भाई पीएनएल में ड्यूरिंग द ईयर के प्रॉफिट लॉसेस आते हैं ये तुम्हारा 20,000 का प्रॉफिट पिछले साल ऑलरेडी हो चुका था तुम उसको करंट ईयर में रीक्लासीफाई मत करो करंट ईयर में तो तुम्हारा 5,000 रुपए गया है ना जो करंट ईयर में सचमुच में हुआ तुम्हारा 25,000 का प्रॉफिट था 25 में से तुम्हारा 5,000 का प्रॉफिट करंट ईयर का है और करंट ईयर का रियलाइज हो गया तो तुमने उसको डायरेक्टली पीएनएल में डाल दिया वो तुम्हारे रिटेन्ड अर्निंग में ऑलरेडी आ चुका है सर व्हाट अबाउट 20,000 वो तुम्हारा लास्ट ईयर का है तुम उसको करंट ईयर के पीएनएल में रीक्लासीफाई मत करो तुम डायरेक्टली बिना पीएनएल में रीक्लासीफाई करे तुम उसको डायरेक्टली जनरल रिजर्व में डाल दो मतलब रिटेन्ड अर्निंग में डायरेक्ट लेके आओ और ऐसे आइटम जो ओसीआई के आइटम पीएनएल में ना जाके डायरेक्टली आपके रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं उन आइटम्स को कहा जाता है एनआरपीएल नॉट टू बी रीक्लासिफाइड टू पीएनएल डायरेक्टली टू बी ट्रांसफर टू द रिजर्व एंड सरप्लस
कुछ आया समझ में कि नहीं? यस सर। यू रिमेंबर वन थिंग, लेट मी टेल यू वन थिंग। तुम्हारे सीए इंटर में अगर किसी को याद हो तो हम डीआरआर सीआरआर बनाते थे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व सीआरआर, डीआरआर सीआरआर बनाते थे, याद है? बस यस और नो में जवाब देना। तुम्हें जब बनाते थे डीआरआर सीआरआर तो एंट्री करते थे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, याद करो ये एंट्री करते थे। तो बनाते तुम पीएनएल से थे, पर जब बाद में डिबेंचर रिडीम हो जाता था, जब डिबेंचर रिडीम हो जाता था तो उस डीआरआर को जब रिवर्स करते थे तो जनरल रिजर्व में रिवर्स करते थे, वापस से पीएनएल में नहीं डालते थे तुम, याद करो। yes, अगर sir. याद हो तो तुम उसको वापस से पीएनएल में नहीं डालते थे, हम तुम उसको जनरल रिजर्व में डालते थे। क्यों सर पीएनएल में क्यों डालूं, वो करंट ईयर का थोड़ी है, वो तो सर पिछले सालों से बनाते आए, अब उसको बस वापस से फ्री कर रहे हैं, हमने उसको लॉक करके रखा था, वापस से फ्री कर रहे हैं, तो उसको डायरेक्टली डाल दो। द सेम कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू दिस, ओसीआई में डाल दिया। कुछ आइटम ऐसे हैं जिनको करंट ईयर के पीएनएल में वापस से रिक्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों नहीं है? धीरे धीरे मालूम पड़ेगा ना, जब एक एक इंडेक्स पढ़ते जाएंगे उनके लॉजिक्स तब मालूम पड़ेंगे। तो अभी दे सकता है, याद रखो कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनको उठा के वापस से पीएनएल में डालने की जरूरत नहीं है, जिनमें से एक है रिवोल्यूशन रिजर्व। जब तुम्हारी एसेट बिक गई, तुम्हें 125 रियलाइज हो गए, तो मेक श्योर कि 5000 तो तुम ऑलरेडी पीएनएल में डाल चुके हो, तुम्हारे रिटेन अर्निंग का ही पार्ट है, पर 20000 अभी भी तुम्हारे रिटेन अर्निंग में नहीं दिख रहा है। तो तुम 20000 को पीएनएल में डालो, फिर पीएनएल में डाल के उसका नेट प्रॉफिट बढ़ाओ। नहीं, मत करो, ऐसा मत करो, बेवजह नेट प्रॉफिट 20000 से बढ़ जाएगा, कोई सेंस नहीं है भाई, ये तो पिछले साल का प्रॉफिट था, उसको तुम एक काम करो, हाँ है तो वो भी फ्री रिजर्व है, तो वो भी प्रॉफिट, वो भी तुम्हारा रिटेन अर्निंग में ही शो होना चाहिए, तो तुम उसको डायरेक्टली जनरल रिजर्व में लेके जाओ, रिटेन अर्निंग में लेके जाओ। दैट इज द रीजन वी कॉल इट एज एनआरपीएल। अंडरस्टूड और नॉट? इसीलिए हम पीएनएल के अंदर ये जो छोटा भाई है ना उसके अंदर दो कैटेगरी रखते हैं, एक एनआरपीएल एक आरपीएल। ठीक है बेटा? हाँ, तो मैं आपको कीवर्ड समझा रहा था, पहला कीवर्ड था ट्रांजिशन, दूसरा कीवर्ड है अपना अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अब जिसको मैं लिखवाऊंगा, लिखिए। तो मैं ओसीआई लिखवाऊंगा, लिखिए। दोज आइटम्स ऑफ इनकम्स एंड लॉसेस और एक्सपेंसेस विच आर अनरियलाइज्ड इन नेचर एंड आर रिक्वायर्ड एज पर इंड एस टू बी शोन इन अ सेपरेट स्टेटमेंट। दोज आइटम्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस या लॉसेस विच आर अनरियलाइज्ड इन नेचर एंड आर रिक्वायर्ड टू बी शोन इन अ सेपरेट स्टेटमेंट, सच सेपरेट स्टेटमेंट इज कॉल्ड OCI, अदर कॉम्प्रेहेंसिव इनकम्स। ALB, सर इज रिवोल्यूशन रिजर्व ऑलवेज NRPL? यस, रिवोल्यूशन रिजर्व इज ऑलवेज NRPL, कभी भी वो RPL नहीं होगा, वो डिफाइंड है, NRPL और RPL के आइटम डिफाइंड है, तो रिवोल्यूशन रिजर्व इज ऑलवेज NRPL। दीज आइटम्स आर ऑलरेडी डिफाइंड इन रिस्पेक्टिव इंडेस, कितने इंडेस है? 35, तो 35 इंडेस है, तो 35 इंडेस के अंदर आपको कई बार ऐसे दिखेंगे कि भैया ये NRPL है, हाँ ये RPL है, हाँ ठीक है, ऐसा। एग्जाम्पल के तौर पर लिखो, एग्जाम्पल के तौर पर पहला रीवैल्यूएशन गेन या सरप्लस, ब्रैकेट में लिख देना इंडेस 16,
दूसरा फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस, याद होगा AS 11, किसको किसको याद है फॉरेन एक्सचेंज वाला AS 11? उसका नाम है यहां पर इंडिया 21, फॉरेन एक्सचेंज के डिफरेंसेस, वो भी आपके ओसीए में जाते हैं। हाँ सर, AS 11 में भी कुछ कुछ तो था, वहां पर था FCTR, थोड़ा थोड़ा याद दिलाऊं, ब्रांच अकाउंट्स पढ़ते थे फॉरेन ब्रांचेस, उसमें दो दो चीजें होती थी, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल, इंटीग्रल के अंदर कन्वर्जन करने पर जो डिफरेंस आया वो पीएनएल में जाएगा, पर नॉन इंटीग्रल में जो डिफरेंस आया वो एफसीटीआर में जाएगा, याद करो, था कि नहीं? और उसमें था कि एफसीटीआर में डालोगे, पर जब आगे चल के नॉन इंटीग्रल को कन्वर्ट कर दोगे इंटीग्रल में या नॉन इंटीग्रल को बेच दोगे तो जितना भी एफसीटीआर है वो पीएनएल में डालना पड़ेगा, ऐसा AS 11 कहता था। अब अगर वो याद नहीं है तो मेरा दोष नहीं है उसमें, पर मैं जो बता रहा हूं वो AS वाली बातें बता रहा हूं। वो बोलता था कि आगे चल के जब तुम्हारा नॉन इंटीग्रल बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या उसको तुम कन्वर्ट कर दोगे इंटीग्रल में, तो एफसीटीआर को उठा के पीएनएल में डाल देना। इसका मतलब यहां पर भी वही, तो वो क्या बन जाएगा आरपीएल, वो रिक्लासीफाई होके पीएनएल में आ जाएगा। तो ये जो आइटम है ये आपका एनआरपीएल है और ये आपका आरपीएल है, क्योंकि ये आगे चल के पीएनएल में जाएंगे। तो कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो पीएनएल में जाते हैं, कुछ आइटम होते हैं जो पीएनएल में न जाके डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाते हैं। देखो बेटा, आप यूं समझो कि हर किसी की अल्टीमेट डेस्टिनेशन बैलेंस शीट है। कोई भी इनकम हो, कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी गेन हो, कोई भी लॉस हो, सबकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट का अदर इक्विटी है। अदर इक्विटी में ये सारे भाई बहन लोग मिलकर नाचेंगे। ये देखो कहां गया, नहीं ये नहीं है, कहां गया ये, यहां तुझे ना सारे भाई बहन लोग मिल जाएंगे, सारे कजिन्स लोग यहां पर बैठे हुए हैं, सबकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन ये है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट के अंदर अदर इक्विटी। अब बस फर्क इतना है कि कुछ लोग पीएनएल के थ्रू आए हैं, कुछ लोग डायरेक्टली उड़ के आए हैं। जो डायरेक्टली उड़ के आए हैं उसको बोलोगे एनआरपीएल, जो डायरेक्टली आए हैं ओसीआई से डायरेक्ट आ गए, और कुछ ऐसे हैं जो पहले ओसीआई में थे उनको वापस पीएनएल में डाला गया और पीएनएल में नेट प्रॉफिट के रूप में वो रिटेन्ड अर्निंग में आ गए, और कुछ ऐसे हैं जिनको कभी ओसीआई में डाला ही नहीं गया, पीएनएल में डाला गया, नॉर्मल इनकम्स रियलाइज नेचर की, वो डायरेक्टली पीएनएल में आके यहां आ गए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरी इनकम, एवरी एक्सपेंस, एवरी लॉस, एवरी गेन हैज ओनली वन डेस्टिनेशन, दैट इज कॉल्ड अदर इक्विटी। इट्स अदर इक्विटी ओनली, वन डेस्टिनेशन अदर इक्विटी। नाउ दैट डिपेंड्स कि सम आर डायरेक्टली कमिंग, सम आर कमिंग थ्रू पीएनएल, सम आर कमिंग थ्रू ओसीआई, एंड सम आर कमिंग टू ओसीआई, देन दे आर रीशिफ्टेड टू पीएनएल, एंड देन दे आर कमिंग फ्रॉम पीएनएल, दैट डिपेंड्स। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं बार बार, इसके सबके पीछे लॉजिक्स है, जब एक एक इंडेक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको लॉजिक्स क्लियर होंगे कि अच्छा हाँ सर अच्छा ओके। मेरे स्टार्टिंग के 3-4 सेशंस बहुत ज्यादा डिटेल ये चीजों में जाएंगे, तो जब मैं ओरिजिनल इंडेक्स लेना शुरू करूंगा ना तो आपको रियलाइज होगा अच्छा हाँ सर आपने पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास में बोला तो था आपने, सेकंड क्लास में बोला था, ठीक है ना, बहुत सारे राज खुलेंगे। एनीवेज बेटा ये वाला टर्म क्लियर है सबको, ओसीआई जल्दी करो, मैं अपना टाइम जा रहा है, मुझे जल्दी जवाब दो ताकि मैं अपनी तीसरी टर्म पे आ सकूं। थर्ड टर्म रीक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट, ये वर्ड कई बार आपको सुनने को मिलेगा, रीक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट। मैं आपको अभी ये ओसीआई के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको कहीं ना कहीं समझा दिया। बेटा आरपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, आरपीएल का फुल फॉर्म रीक्लासिफाइड टू पीएनएल, मतलब इसका अच्छा इसका मतलब क्या होता है, उस चीज को कहते हैं रीक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट, उसको कहते हैं रीक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट। रीक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट मतलब व्हेन अ पर्टिकुलर आइटम अर्लियर ट्रांसफर टू ओसीआई, नाउ इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ इंड एज टू बी ट्रांसफर टू पीएनएल, दैट इज कॉल्ड रीक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट। गाइज आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर। सो इफ एन आइटम अर्लियर
क्लासिफाइड टू ओसीआई ड्यू टू इंड एएस रिक्वायरमेंट. इंड एएस की रिक्वायरमेंट के कारण तुमने उसको ओसीआई में डाला था. नाउ इट इज रिक्वायर्ड बाय इंड एएस टू बी ट्रांसफर्ड टू पीएनएल. दिस इज कॉल्ड रीक्लासिफाइड एडजस्टमेंट. इसको कहते हैं रीक्लासिफाइड एडजस्टमेंट. बोलो बेटा क्लियर? यस सर. लास्ट आइटम. हाँ, इसमें कोई डाउट? डाउट था. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. एनआरपीएल और आरपीएल को अपन लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हर बार कि ये आरपीएल है? इंडेस बोला ना बेटा, इंडेस इंडेस इंडेस. तो केस टू केस वेरी करेगा, केस टू केस वेरी करेगा, पर्टिकुलर इंडेस के हिसाब से चलेंगे. एक सेकेंड, अगर मेरे पास वो होगा तो मैं आपको दो मिनट दिखा देता हूँ, शायद आपको एक समराइज फॉर्म में समझ में आ जाएगा. वेट अ मिनट. आपने बताया था ना कि आइटम्स डिफाइंड है हमारे कि ओसीआई में फील्ड्स आइटम्स एग्जैक्टली सो करेंगे, तो देयरफॉर क्लियर है. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, दो मिनट मुझे पहले बोलने दो, अपने पहले म्यूट हो जाओ. ये देखो मैंने क्या चार्ट बुक के अंदर आइटम्स ऑफ ओसीआई डाल दिए. अब वो बिकॉज ऑफ विच इंडेस के कारण ओसीआई में आ रहे हैं, विच इंडेस के कारण आ रहे हैं, विच इंडेस के कारण आ रहे हैं, वो सब लिखे हुए हैं. और मैंने नीचे लिखा है 19 वाला जो ओसीआई में जाता है वो एक्चुअल गेन और लॉस जाता है. और नीचे लिखा है सच आइटम ऑफ ओसीआई विल नॉट बी रीक्लासिफाइड टू पीएनएल, मतलब ये एनआरपीएल हो गया. इंडेस 16 पीपी वाला और इंडेस 38 इंटेंजिबल वाला, जब तुम रिवॉल्यूशन गेन करते हो तो सच आइटम ऑफ ओसीआई विल नॉट बी रीक्लासिफाइड टू पीएनएल. तो हर इंडेस के अकॉर्डिंग डिफाइंड है वो, ये सीरीज, वो ये पूरी समरी है, ये पूरी समरी है कि किसको रीक्लासिफाई करेंगे किसको नहीं करेंगे, वो इंडेस के अकॉर्डिंग समराइज है. हाँ, अभी जो भी अपना डाउट पूछ रहा था जिसकी आवाज क्लियर नहीं थी वो वापस से पूछ सकता है, कुछ बोल रहा था शायद वो. सर मैं वही बोल रहा था कि आपने बोला था ना कि आइटम्स हमारे डिफाइंड है कि कौन से आइटम्स को हम ओसीआई में ट्रांसफर करेंगे, उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट क्या रहेगा. हाँ, डिफाइंड डिस्टिंग्विश करने का आपने को कोई जरूरत नहीं, तो ऑलरेडी डिफाइंड है, अदर डिफाइंड नहीं डिफाइंड है. यस अतुल, हर इंडेस के अंदर द आइटम इज डिफाइंड, इसीलिए मैं ये रीजन दिखा रहा हूं, ये दिखा रहा हूं समरी. ये समरी भी आपको मेरे चार्ट बुक में मिल जाएगी, अपडेटेड मिलेगी ऑब्वियसली, ये थोड़ी अपडेटेड नहीं है तो ये अपडेटेड मिल जाएगी. हर समरी आपको ये मिल जाएगी इस तरीके से. तो आपको लास्ट में क्या करना है, एग्जाम टाइम में आपके सामने ये समरी रहेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये आइटम एनआरपीएल होता है, ये आइटम आरपीएल होता है, और दैट इज डिफाइंड. ये हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही इंडेस के द्वारा डिफाइंड है. अच्छा, अब क्यों आरपीएल है क्यों एनआरपीएल है, वो तो जब इंडेस पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, उसका लॉजिक तो इंडेस में, अभी वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए पूरी इंडेस की नॉलेज चाहिए. अरे समझा क्या? Yes, sir. तो लास्ट में ये ना आपको ये इंपॉर्टेंट समरी बहुत काम आएगी, ये वाली ओसीआई वाली. एनीवेज वापस आते हैं, लास्ट एक प्लीज लास्ट लिख लो जल्दी जल्दी. स्टेटमेंट एक लास्ट टर्म बच गई, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. ये टर्म किसने पहले सुन के रखा है, ये टर्म पहले किसी ने सुना होगा? यार ये तो मेरे को लगता है सुना होगा ऑडिट वगैरह में, इंटर में ऑडिट में सुना होगा, ऑडिट वाले सब्जेक्ट में, या किसी ने शायद आर्टिकलशिप के टाइम पर. इसको बोलते हैं सोकी, एस ओ सी आई ई, शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे सोकी, सबका शॉर्ट एस ऑफ का ओ सी आई ई, सोकी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. इसको समझने के लिए पहले समझो क्या होता है बेटा. इक्विटी का फॉर्मूला लिखो, इक्विटी इज इक्वल टू, एज पर इंडिया इक्विटी इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस अदर इक्विटी. इक्विटी वर्ड अलग है, इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड अलग है, अदर इक्विटी वर्ड अलग है. जब हम शेयर कैपिटल को अदर इक्विटी के साथ टोटल करेंगे तो वो टोटल बन जाएगा आपका इक्विटी.
इक्विटी दो चीजों से बना है, इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी। पहले इसको शेड्यूल थ्री में देखते हैं। बैलेंस शीट के अंदर वर्ड क्या है? इक्विटी मेन हेडिंग, और मेन हेडिंग के नीचे दो ही आइटम है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी। मतलब फॉर्मूला इज क्लियर एज पर द फॉर्मूला शुड बी क्लियर कि इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अदर इक्विटी। नाउ ड्यूरिंग द ईयर इक्विटी शेयर कैपिटल में कई सारे बदलाव हुए होंगे। आपने शेयर बायबैक किया होगा, आपने बोनस इशू दिया होगा, आपका कोई कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हुआ होगा तो इक्विटी कैपिटल में बदलाव हुए, आपका कोई कन्वर्टेबल डिबेंचर शेयर कैपिटल बन इक्विटी कैपिटल बन गया, आपके शेयर वॉरंट इक्विटी शेयर कैपिटल में बदले होंगे। सीए इंटरमीडिएट में एक चैप्टर पढ़ा था ईसॉप, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तुमने अपने इंप्लॉय को ईसॉप दिया होगा, वो शेयर कैपिटल करंट ईयर में हो सकता है बन गया हो, तो ड्यूरिंग द ईयर शेयर कैपिटल में तो बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे। इन द सेम वे ड्यूरिंग द ईयर तुम्हारे अदर इक्विटी में भी चेंजेस हुए होंगे। अभी अभी मैंने अदर इक्विटी की बातें की ड्यूरिंग द ईयर रिटेन्ड अर्निंग से कितना आया, ओसीआई से रिटेन्ड अर्निंग में कितना ट्रांसफर हुआ, डिविडेंड कितना दिया, कैपिटल रिजर्व कहां कहां से आया, सीआरआर डीआरआर दुनिया भर की चीजें। तो अगर मुझे कि भाई ओपनिंग में कितना था, फिर ड्यूरिंग द ईयर प्लस माइनस कितना हुआ, फिर क्लोजिंग में कितना था, ऐसे पूरे स्टेटमेंट को, वो स्टेटमेंट शेयर कैपिटल का भी बनेगा, वो स्टेटमेंट अदर इक्विटी का भी बनेगा, उस स्टेटमेंट को कहते हैं सोकी, उसको कहते हैं सोकी। अगर मुझे डिफाइन करना है कि शेयर कैपिटल में कितने 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 चेंजेस कैसे 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 हुए प्लस माइनस, अदर इक्विटी में कैसे हुए, तो उनका जो स्टेटमेंट बनेगा उस स्टेटमेंट को बोलते हैं सोकी। सोकी की बात करें तो सोकी के अंदर दो स्टेटमेंट बनेंगे, शेयर कैपिटल का एक अलग पार्ट ए और अदर इक्विटी का अलग पार्ट बी। लेट मी शो यू स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सोकी, सोकी का पार्ट ए इक्विटी शेयर कैपिटल। करंट ईयर में ओपनिंग बैलेंस कितना था, चेंजेस इन शेयर कैपिटल ड्यू टू प्रायर पीरियड एरर, प्रायर पीरियड एरर के कारण आपने ओपनिंग बैलेंस में कोई चेंजेस किए क्या, चेंजेस करने के बाद इन दोनों का सम रीस्टेटेड बैलेंस। ड्यूरिंग द ईयर आपका कोई इश्यू हुआ, बायबैक हुआ, बोनस हुआ, चेंजेस इन इक्विटी, क्लोजिंग में कितना आया, ये बन गया आपका करंट ईयर का। सेम आपको प्रीवियस ईयर का देना पड़ेगा, सेम टू सेम वही फॉर्मेट, बैलेंस कितना था प्रायर पीरियड में, कितना था रीस्टेटेड, कितना हो गया इक्विटी में आपके करंट ईयर में, लास्ट ईयर में क्या क्या आपने बायबैक और इश्यू किए थे, और बैलेंस कितना आ गया। मतलब सोकी का जो पहला पार्ट ए है वो शेयर कैपिटल का पूरा ड्यूरिंग द ईयर का ब्यौरा दे रहा है, सोकी का जो पार्ट बी है वो ये रहा अदर इक्विटी, वो भी आपको वही ड्यूरिंग द ईयर का करंट रिपोर्टिंग पीरियड का पूरा ये ब्यौरा दे रहा है। और अरे ये उल्टा हो गया क्या, ये उल्टा है बेटा, ये प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का दे रहा है, ये उल्टा क्यों हो गया रहा है, एक सेकंड। ये प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का वही सब कुछ। अब आप ध्यान से देखो, बैलेंस एट द बिगनिंग कितना था, प्रायर पीरियड एरर के कारण कितने चेंजेस हुए, रीस्टेटेड बैलेंस कितना हो गया, टोटल कॉम्प्रेहेंसिव इनकम कितनी आई, डिविडेंड कितना बांटा, रिटेन्ड अर्निंग में कितना ट्रांसफर किया, अभी भी मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करने वाला, वो कितना ट्रांसफर किया, और कोई चेंजेस है तो वो स्पेसिफाई करो, और लास्ट ईयर का बैलेंस, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस दिखाओ, ये आपका होता है। और इस सबको क्या बोलते हैं, सोकी। क्या बोलते हैं बेटा, ओके। अरे यार तुम लोग बहुत ढीले हो यार, कुछ बोलते ही नहीं हो यार। सोकी तो सोकी, चलो तुम लोग मुझे कोई डिफाइन करेगा, व्हाट इज सोकी, व्हाट इज सोकी, एनीबॉडी। वेरी गुड, मेड इन इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यूरिंग लास्ट ईयर टू कंपैरिजन टू करंट रिजल्ट। ओके, तो कुल मिला के सोकी क्या करता है, सोकी ड्यूरिंग द ईयर के कितने भी चेंजेस हुए होंगे शेयर कैपिटल के अंदर और अदर इक्विटी के अंदर, वो सारे चेंजेस को एक स्टेटमेंट में डिफाइन करता है, एंड दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड सोकी। सोकी इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड
इन टू पार्ट्स. टू पार्ट्स कौन से? पार्ट ए इक्विटी शेयर कैपिटल का और पार्ट बी अदर इक्विटी का. सो की इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड इन टू पार्ट्स विच डिफाइन्स ऑल इक्विटी आइटम्स. मैंने वर्ड यूज किया इक्विटी और इक्विटी का मतलब ये. अब ऑल इक्विटी आइटम बोल दिया मतलब सारे कैपिटल वाले आइटम, सारे अदर इक्विटी आइटम आ गए सब. विच डिफाइन्स ऑल इक्विटी आइटम्स अलोंग विथ देयर रिस्पेक्टिव चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर. Along with their respective changes during the year. समझ आया? ग्रेट. हाँ जी. सो दीज वर द की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. कुछ पूछ रहे हैं तो पहले मुझसे पूछ लो सो दैट हम लेक्चर को कंक्लूड करने की तरफ चले. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. मैंने कुछ कीवर्ड्स बताए. ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ओसीआई का मतलब क्या होता है, रीक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, सोकी का मतलब क्या होता है, इक्विटी में क्या क्या चीजें आती हैं, ये हमने कुछ कुछ कीवर्ड्स पर ध्यान दिया आज. एनीवेज किसी को कोई डाउट नहीं है तो ठीक है. आपको मैं कल क्या पढ़ाने वाला हूं, कल मैं स्टडी मॉड्यूल से आज मैं टेलीग्राम पे अपनी कॉन्सेप्ट बुक के कुछ नोट्स डाल दूंगा ताकि आपके पास भी रहे. जब तक आपके पास शिपमेंट नहीं पहुंचेगा तब तक आप नोट्स को पीडीएफ फॉर्म में रेफर कर सकते हो. जिसको फोटोकॉपी निकालनी है निकाले, जिसको नहीं निकालनी है नहीं निकाले. पर एट द सेम टाइम कल हम इस चैप्टर की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू इंडियस. बेसिकली मोटा मोटी इस चैप्टर के अंदर क्या है, इंडियस क्यों आए, नीड क्यों थी इंडियस की, उसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि वो चीज आपको सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है. तो हम उसको इंडियस की नीड क्या हुई, इंडियस कैसे बने, फ्रेमिंग कैसे होती है इंडियस की, उसके बाद इंडियस कौन से ईयर से शुरू हुए, कौन कौन सी कंपनी के ऊपर इंडेक्स अप्लाई होता है, एप्लीकेबिलिटी क्या है इंडेक्स की, वो पढ़ेंगे. तो ये पूरा रोड मैप पढ़ेंगे बेसिकली. ठीक है. यस प्रगति आप जा सकते हो, कोई बात नहीं. तो बेसिकली कल की क्लास में आपको ये नोट्स साथ में रखने हैं और मैंने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी हाईलाइट करके रखे हैं जो कि मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे हम ध्यान देंगे. और इसके अलावा पूरा चैप्टर हम कल कवर अप करेंगे जिसमें इंडेक्स का पूरा एक इंट्रो लेंगे. तो आज का क्लास इज द इंट्रोडक्शन क्लास. टुमारो विल ऑल्सो कंटिन्यूड एज अ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स. एक चीज जाने से पहले बोल दूं बेटा, याद रखना शुरू के 5 से 6 दिन ऐसा फील आ सकता है कि ये चैप्टर ये सब्जेक्ट थ्योरी है क्या. पक्के में बोल रहा हूं, पक्के में 90% बच्चों को फील आएगा कि यार ये क्या चल रहा है, ये एफआर थ्योरी होता है क्या, प्रैक्टिकल नहीं है क्या. ये गलतफहमी होगी. शुरू के 5 दिन बहुत सारा थ्योरिटिकल कंटेंट आएगा क्योंकि वो बेसिक समझाने के लिए जरूरी है. तो ये गलत फहमी होगी, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं. स्टार्टिंग के टाइम पे तुम्हें हो सकता है हल्का हल्का बोरियत भी लगे, अरे यार बहुत थ्योरी है यार, बहुत थ्योरी है. इसीलिए 2 घंटे इनफ है. 5वीं क्लास के बाद जो हम शुरू करेंगे प्रैक्टिकल करना, मेरा चैलेंज है वो थ्योरी वाला बुखार खत्म हो जाएगा. तो स्टार्टिंग के 5-6 दिन थोड़ा सा ना अपना अपना संयम बरत, अच्छे से बरतना कि हाँ भाई ठीक है, संयम रखना मतलब बेसिकली कि यस कोई नहीं हो जाएगा. तो शुरू के दिनों में थोड़ा हल्का सा बोरिंग टच, एक थ्योरी टच ऐसा आ सकता है, बट मेक श्योर बहुत प्रैक्टिकल चीजें होने वाली हैं, बस ध्यान रखना. ठीक है. सो शैल वी कंक्लूड द लेक्चर. कुछ किसी को पूछना है क्या, किसी को कोई डाउट हो स्पेसिफिक तो बताइए, नहीं तो जिसको जल्दी है वो जल्दी बाय बाय बोल के जा सकता है. और बाय बाय ऑडियो से बोलेंगे, चैट से नहीं. बाय बाय सर, बाय बाय. किसी को डाउट है वो रुक सकता है. बाय बाय. और लेक्चर कैसा रहा मुझे वो टेलीग्राम पे या फिर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे जरूर बताइएगा. आपकी आज की शुरुआत कैसी रही मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइएगा. बाय सर, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय. चलो एवरीवन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. अपना फीडबैक जरूर देना मेरे को.
फ्री